जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आप सबको एसईओ कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट लाइव क्लास में। मेरा नाम शहजाद हाशमी है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक मुल्तान से और गुज़िश्ता 9 सालों से मैं एज अ फ्रीलांसर एज अ कंटेंट राइटर के तौर पे मार्केट में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों तरह के क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम किया है। आज हम देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, किस तरह से आप इसको सीख के पैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, क्या स्कोप है और क्यों ये बाकी स्किल की निस्बत एक अच्छी स्किल मानी जाती है। हाँ, थोड़ी सी टफ है, टफ इस सेंस में क्योंकि एक मेजर स्किल है और इसमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और एक वेबसाइट ऑनर या एक कोई भी ब्लॉगर हमें अगर कोई कॉन्टेंट लिखने को लिए देता है तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे कंटेंट की वजह से उसकी वेबसाइट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, कंटेंट खराब हो सकती है, कंटेंट खराब होने की वजह से उसकी वेबसाइट खराब हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जानना हमारे लिए जरूरी है। तो फैक्टर क्या होते हैं, उन फैक्टर्स को कवर कैसे करना है, लिखते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए होता है जिसके पास जिसको सिर्फ बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है। मुझे हाई फैंकीस वाला बंदा चाहिए, एक बेसिक लेवल की इंग्लिश हो, जो बेसिक लेवल पे लिखना जानता हो, बेसिक ग्रामर उसको आती हो। और हमें मजे की बात बताऊं, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। हमें ग्रेड 7 का कंटेंट रिक्वायर होता है। ग्रेड 7 से मुराद ये ग्रेड 7 का बच्चा, ग्रेड 8 का बच्चा, मैक्सिमम ग्रेड 9 का बच्चा, उसकी बुक्स में जिस लेवल का कॉन्टेंट लिखा होता है, जिस लेवल का टेक्स्ट लिखा होता है, उस लेवल की इंग्लिश हमें चाहिए। हमें मुश्किल इंग्लिश नहीं चाहिए। मुश्किल इंग्लिश, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल वोकैबुलरी हमें चाहिए होती है जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी कोई थीसिस का काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं वहां पे। तो वो ग्रेड 7 का कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसको मीट करेंगे और हम उसको चेक कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ एसईओ पर्सपेक्टिव से बात हो रही थी मदर ऑफ ऑल स्किल की, कि डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल स्किल्स के अंदर जो मदर ऑफ ऑल स्किल्स है वो एसईओ है। और एसईओ आपकी कंटेंट के बगैर इनकम्प्लीट है। एसईओ में 3 टाइप्स होती है मेन, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज। टेक्निकल ये होता है कि वो जो वेब डेवलपर होता है वो अपने एंड पे कर रहा होता है काम उसका, जब कोई वेबसाइट बना रहा होता है। ऑफ पेज में हम हमारे रिलेशनशिप होते हैं हमारी वेबसाइट्स के अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। और इसके साथ साथ जो ऑन पेज होती है, ऑन पेज का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट और एक रिलेशन होता है कॉन्टेंट राइटिंग के साथ। और ऑन पेज एसईओ जो है उसका तकरीबन 65-70% रोल होता है एक वेबसाइट के अंदर। मिसाल के तौर पे ये मैंने वेबसाइट बनाई है, अब इसको रैंक करवाने में, इसको प्रमोट करने में, इसको चलाने में जो मेरा मेन किरदार होगा वो होगा ऑन पेज एसईओ का, जो कि 65-70% रोल प्ले करती है। तो बाकी 30% किसका रह गया, टेक्निकल का और ऑफ पेज का। तो ये चीजें हैं जो एक बहुत ही बेसिक्स हैं कॉन्टेंट राइटिंग। अब चूंकि हमने बेसिक से एडवांस लेवल पर जाना है तो मैं आपको एकदम से एडवांस तरीके बताऊंगा। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरह से हमने चीजों को समझना है और कैसे एडवांस लेवल पर जाना है। हमारे पास बहुत टाइम है, 2 से 2.5 महीने की आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके साथ आएंगे। बीच में कुछ ऐसा फेज भी आता है कि बंदा बोर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहेंगे जिससे आप लोग बोर ना हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं टास्क दिया करूंगा, आपको लिख कर आया करेंगे, उसको चेक किया करेंगे। इसी तरह ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं उनको भी टास्क असाइन किए जाएंगे, मैं पहले भी करता रहता हूँ, टास्क असाइन चेक होते हैं और उसके ऊपर एक फीडबैक दिया जाता है लाइव क्लास के अंदर शेयर करके कि ये इसमें क्या मिस्टेक्स हैं और उसमें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाऊँ कि कॉन्टेंट लिखने का स्टाइल क्या होता है, बहुत सारे स्टाइल होते हैं, उसमें से एक स्टाइल जो है वो ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक कंटेंट है उसका इमेज डाल दिया, अब ऊपर ये हमारे पास टाइटल आ गया, टाइटल को कंटेंट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद राइटिंग स्टाइल है, पैराग्राफ्स आ गया, ये एक लिंक आ गया, ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। ऑफ पेज एसईओ वो हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन राइटिंग के तौर पर जब हम काम करते हैं, एज अ राइटर काम करते हैं, तो किसी हद तक हम थोड़ी थोड़ी ऑफ पेज एसईओ ना चाहते हुए भी कर रहे होते हैं। इट्स लाइक जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो अक्सर हमसे कहा जाता है थीसिस में तो लास्ट में तो बाद में असाइनमेंट में मांग लिया जाता है कि आपने थीसिस के एंड पे रेफरेंसेस लिखने हैं कि ये आपने जो डाटा उठाया है कहाँ से उठाया है, उसके रेफरेंसेस हम एंड नोट से बना लेते हैं, किसी भी टूल से बना लेते हैं,
एमएस वर्ड में भी हार्वर्ड स्टाइल होता है, एमबीए स्टाइल होता है। अब वो जो रेफरेंसेस होते हैं ना, वो रेफरेंस है कि भाई ये जो हमने कंटेंट है यहाँ से उठाया, पैराग्राफ के एंड में हम एक लिंक लगा देते हैं उसका, तो ये समझ लो कि वो रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, ब्लॉग एसईओ राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग इज 4.288 बिलियन वर्थ इंडस्ट्री। तो मैंने इतना बड़ा जो क्लेम किया कि 412.88 बिलियन डॉलर वर्थ की इंडस्ट्री है कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, तो मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, मैं इस क्लेम को कैसे एक ऑथेंटिसिटी दे सकता हूँ कि हाँ ये क्लेम मेरा ठीक है। तो मैंने उसको एक लिंक लगा दिया, क्लिक करेंगे भाई यहाँ से जाकर चेक कर दो, मैंने यहाँ से डाटा उठाया, स्टैट्स है, मैंने स्टैट्स की वेबसाइट सर्च की। अब ये हमने कैसे रिसर्च करना है, हम गूगल पे जाके क्या लिखेंगे कि हम इस तरह की चीजें रिसर्च कर रहे हैं, तो ये चीजें होती है जो हम क्लाइंट को कहे बगैर, उसके कहे बगैर ऐड ऐड करके दे रहे होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स आ रहे हैं, पैराग्राफ्स ऊपर इमेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये रेफरेंसेस इमेज है। जैसे मैंने कोरा की बात की, कोरा एक प्लेटफॉर्म है ऑफ पेज एसईओ के लिए यूज होता है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक रेफरेंस इमेज निकाल लिया स्क्रीनशॉट की सूरत। ये डिफरेंट चीजें, इससे ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली कोर्सेज में नहीं बताई जाती। मैंने बहुत से ट्रेनर्स को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने पेड कोर्स कभी नहीं किया, मैंने एक्चुअली में कोई कोर्स नहीं किया हुआ, मेरी सारी प्रैक्टिस है, मैंने जो सीखा वो मैंने क्लाइंट के साथ सीखा है। वो क्लाइंट मिसाल के तौर पर उसने कहा मुझे एसईओ करवानी है, अच्छा मुझे बेसिक आती है, वो क्या कहता था, अच्छा मैं उससे डील कर लेता, तो मैं कहता था आप मुझे पैसे ना दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे बताओ एसईओ होती कैसे है। तो वो उससे मेरी डील हो जाती थी। मेरा एक इंडिया का क्लाइंट था, उसने मैं नॉर्मली 7 रुपए 8 रुपए 6 रुपए पर वर्ड चार्ज करता हूँ, यानी कि अगर एक आर्टिकल लिखूँ तो मैं 6 से 8 हज़ार रुपये उसको चार्ज करता हूँ क्लाइंट के लिए। एक दिन में लिखूँ तो समझ नहीं कितनी इनकम बनती है। 2500 वर्ड का आर्टिकल होता है, एफिलिएट जो हम एडवांस सीखेंगे उसके उसका रेट ज़्यादा होता है। तो उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि यार ये पुरानी बात है, उसने कहा एसईओ भी सीख लेते। मैंने कहा, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहरहाल मैंने उसको भाई भाई कहकर उसको बुलाता था, मैंने कहा नहीं यार टाइम नहीं बन रहा और मेरे पास बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स था और मैं चाहता कि मैं तो नहीं कोर्स पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं कोर्स करने से पहले उसको बड़ा खंगालता हूँ। तो अलहमदिल्ला सब जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, वो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी लोग कॉन्टेंट राइटिंग जब सिखा रहे हो तो सिखा रहे होते हैं, मैं आपको यहाँ लाइव लिख कर दिखाऊंगा क्लास के अंदर, डाटा उठा के उसके सेंटेंस बना के, सेंटेंस का पैराग्राफ बना के पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लाइव लिख के दिखाऊंगा, लाइव यहीं पर खड़े होंगे क्लास के अंदर। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आपको वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, आपको इशू तो नहीं है वॉइस का? मैंने कहा जगाते रहे इनको, सर ये सो जाते हैं ना ऑनलाइन वाले, इनको भी जगाते रहे साथ। थैंक यू जी। अच्छा, तो वो बात हो रही थी कि राइटिंग स्टाइल की, कि किस तरह से लिखना है, वो हम लाइव सीखेंगे, यहाँ पे लाइव सीखेंगे, डिस्कस भी करेंगे ऑनलाइन भी, मैं यहीं पे स्क्रीन शेयर करके सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, तो बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, मैं देख रहा था कौन कहाँ बैठा हुआ है। थैंक यू। अच्छा, तो वो बात हो रही थी स्किल सीखने की, कि स्किल कैसे सीखी जाए। मैंने उसे डील कर ली, उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो जब कोविड आया तो हर किसी ने दुकान खोल ली कि आ जाओ जी सीख लो सीख लो सीख लो। अच्छा, वो क्या हुआ, मैंने उनसे मैनेजमेंट से डील की, मैंने कहा यार आप, और लकी मी कि वो बंदा मुस्लिम भी था तो मेरी उससे ज़्यादा अच्छी गपशप होगी ना। नॉर्मली इंडियन क्लाइंट्स के साथ हमें सिखाया जाता है कि आपने काम नहीं करना, इंडिया नाइजेरिया बांग्लादेश और ये जो सूडान टाइप जिस तरह की कंट्रीज है ना, वहाँ से मना किया जाता है कि वहाँ से आपने प्रोजेक्ट कभी नहीं लेना, क्योंकि वो लोग फ्रॉड करते हैं। इसी तरह USA UK अरब एमिरेट्स और कनाडा, ये एक अच्छी डोमेन समझी जाती है काम के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैंने उससे काम पकड़ा और उसने मुझे कहा कि चलो यार तुम्हारा इतना अच्छा रेट है, तुम लिख तो अच्छा लेते हो, चलो हम एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हें ना कुछ पैसे कम दे दूंगा और हफ्ते में मैं तुम्हें एक लेक्चर दे दिया करूँगा एसईओ के ऊपर। मैंने ठीक है, मेरा डील। अब जूम अकाउंट मेरे पास होता था उस टाइम, जूम इतना नहीं चलता था, फ्री में चल जाता था काफ़ी देर। अब फ्री में उन्होंने पहले कम टाइम कर दिया, पहले फ्री में 1.5 घंटा चलता था, अब फ्री में 40 मिनट चलता है, अब पेड़ लेना पड़ता है। कोविड आया तो जूम भी एकदम से बूम कर गया, शेयर्स बढ़ गए, स्कूल में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जूम, हर तरफ जूम में जूम हो गया। हालांकि गूगल मीट इससे अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट वो लोग उससे इतना लोगों के लिए हैंडी नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज़ करना जूम के निस्बत, तो उसमें वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। एनीवेज उसने फिर मुझे एसईओ सिखाई, उसने मुझसे काम जब करवाना ना, उसने कहा ना अब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके लिख दो, लिख में लेता था, लेकिन वो जो उसमें कीवर्ड्स की चीजें होती थी
कीवर्ड रिसर्च होती थी वो मुझे बैठ के दो दो घंटे लेक्चर देता था लाइव, एक घंटे की मेरी डील हुई थी बट वो दो घंटे के भी चले जाते थे, मैं उसको बातों में घुमाया रखता था, बातों नहीं मिली दूसरे में घुमाया रखता था, ये भाई इसरार में ये कैसे हो गया, इसरार नाम पर नाम देने ले लिया मैंने बात वो से निकल गया, इसरार में ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो मैं उसको घुमाया रखता था बातों में, तो वो करते 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 उसने मुझे इतना एक्सपर्ट कर दिया इस काम में। फिर मैंने कहा चलो यार अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया, अब मैं कोई कोर्स कर ही लेता हूँ, अच्छा सा कोई अच्छा वाला कोर्स करता हूँ, लाख डेढ़ लाख रुपए वाला, तो मजा भी है कि मैंने कोई चीज सीखी और मेरी स्किल और पॉलिश हो जाए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल था। तो मैंने कहा ऐसी चीजों को जो कोई भी ना करवा रहा, क्योंकि मेरी आदत क्या है मैं कभी भी एक रेसिपी भी नहीं चलता, 10 लोगों से सीखा और उन 10 में से सबसे टॉप की चीजें उठाई जो कि मार्केट में लोग नहीं करवाना चाहते और करवा नहीं रहे, क्योंकि हर कोई अपना गुर नहीं देता किसी को, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कोई अक्सर लोग इतना ज्यादा कंटेंट डिलीवर नहीं करते। तो मैंने कहा वो चीजें करें जो कोई नहीं करवा रहा, और अगर कोई करवा रहा तो वो उसके 50,000 के कोर्स में वो एक चीज काम की है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक 5,000 का कोर्स बना लूंगा जिसमें सभी काम की चीजें उठा के एक अपनी रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस लगा के उसको चला दिया। तो वो जब मैंने पेड कोर्सेज देखे बड़े अच्छे अच्छे इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल के भी देखे, तो मुझे वो मजा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, फिर रीडिंग का शौक था, पढ़ पढ़ के चीजें सीखी। अच्छा बहरहाल ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, बात होती है स्कोप की, लास्ट पॉइंट हमारा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप क्या है, लोग कहते हैं जी हम कितने पैसे कमा लेंगे कंटेंट राइटिंग से। देखो एक है कंटेंट राइटिंग, पहले तो जानना है कि कंटेंट राइटिंग है क्या और उसमें आता क्या क्या। कल से आप सब लोग नोट पैड लेकर आएंगे अपने साथ, पेपर पेन लाजमी सबके पास होना चाहिए। है क्या कंटेंट राइटिंग, कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आ जाता है, जर्नल आर्टिकल बिल्कुल बेसिक लेवल का कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, मैंने आपको जो दिखाई ये ब्लॉग पोस्ट, Amazon affiliate आर्टिकल, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा Amazon affiliate मार्केटिंग के बारे में, मैं अभी एक एक करके दिखाता हूँ आपको Amazon affiliate आर्टिकल। फिर हमारे पास एक डिवीजन है जो कि पहले कंटेंट कहलाता था, अब वो कॉपी राइटिंग कहलाता है, अक्सर आपको नजर भी आएगा आए कॉपी राइटिंग सीखी है, घर बैठे कॉपी राइटिंग सीखे लाखों कमेंट कॉपी राइटिंग, और मैं कॉपी राइटिंग को बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छी चीज है और मैं ये समझता हूँ कि हर कंटेंट राइटर को कॉपी राइटिंग ही आनी चाहिए। लेकिन कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें ना कॉपी राइटिंग की, कॉपी राइटिंग वर्सेज कॉन्टेंट, देखो कॉन्टेंट में मुझे एक क्लाइंट मिला, उसने मुझसे हर महीने ब्लॉग पोस्ट लिखवानी, उसने मुझसे हर महीने ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है, तो उसका मतलब वो मुझे हर महीने पे करेगा, पैसे देगा। कॉपी राइटिंग में हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैं इसको भी मिक्स ही कर रहा हूँ तमाम स्किल्स को, मैं भी इकट्ठी सिखाता हूँ सारी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कभी अमेज़न या कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ओपन करके देखा है, ऑनलाइन वालों आप भी जवाब देते रहो साथ पार्टिसिपेट करो, शर्माओ मत। अच्छा Amazon, दराज, कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है लोकल ई-कॉमर्स, तो हम सबसे पहले उसको डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि यार इसमें है क्या, वो कहलाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके बकायदा प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास भी एक आया था, उसको 25,000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, 25,000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखे, जिसका मतलब है और एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसको चाहिए 40 वर्ड्स, जस्ट 40 वर्ड्स, जबकि जो ब्लॉग पोस्ट होती है वो 1,000 वर्ड्स की मिनिमम होती है। तो 25,000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 40 वर्ड्स एक दिन में, मेरे ख्याल से वो टीम बैठ के काम करे वो एक दिन में आराम से 1,000 लिख लेते हैं 40 वर्ड्स, लेकिन उसमें भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अब वो 25,000 का आ गया, अब मुझे नहीं पता वो 25,000 के प्रोजेक्ट कब आएगा, आता भी है नहीं आता, क्योंकि जिसने लिखवा ली है ना उसने अपनी 25,000 प्रोडक्ट्स के लिए लिखवा ली है। अब जब तक उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकती या कोई नई चीज मार्केट में नहीं आ रही तब तक वो मुझसे कुछ नहीं लिखवाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कंटेंट में और कॉपी राइटिंग में। दूसरी कॉपी राइटिंग में चीज आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब एक कंटेंट राइटर हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के ईमेल्स कलेक्ट कर लूँ और उनको ईमेल्स के जरिए पिच करूँ। जैसे अक्सर आप लोगों के पास ईमेल्स आ जाती हैं, किसी भी वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, गलती से सब्सक्राइब कर लिया और अगले दिन से उनकी ईमेल जाना स्टार्ट हो गई, वो कह रहे हैं जी ये ले लो इतने परसेंट ऑफ, मार्केटिंग की टाइप है और बहुत अच्छी टाइप है लेकिन मौजूदा दौर में उतनी यूजफुल नहीं रही। तो उस ईमेल पे फिर कन्वर्जन होती है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वॉइस क्लियर है इशू तो नहीं है कोई, उस ईमेल पे कन्वर्जन होती है। फिर मिसाल के तौर पे
पांच लोग जो आई पांच में से एक ने पढ़ ली गलती से, चार तो पढ़ते ही नहीं है, मतलब उसका रीडिंग रेशो इतना कम है, स्पेशली पाकिस्तानी नहीं पढ़ते, वो कन्वर्जन काम आती है ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से मुराद फॉरेन कंट्रीज, पाकिस्तानी ईमेल वैसे नहीं देखते और जो देख भी ना तो पढ़ने की हमारा वो नहीं होता इतना कि हम उसको तौफीक करें पढ़ने की, तो उससे फिर कन्वर्जन होती है, वो बाय करते हैं चीज़ों को, तो ये भी सोर्स है। अब वंस उसने प्रोडक्ट बाय करवा ली, उसका काम चल पड़ा, वो साइड पे हो गया। बात आ गई कॉन्टेंट की, कॉन्टेंट में कंसिस्टेंसी चाहिए, उसे कंसिस्टेंट कॉन्टेंट चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट पर कंसिस्टेंट चाहिए अगर उसने पैसे कमाने हैं, अगर उसने सर्विसेज बेचनी है, अगर उसने ब्लॉग अपना रैंक करवाना है, तो उसे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, वो मुसलसल आपसे काम लिखवाएगी, वो जिम्मे है आपके, अगर उसको आपको काम पसंद आ गया ना, वो नहीं, ट्रस्ट मी, वो कोई और राइटर नहीं ढूंढने वाला, क्योंकि उसका दिमाग नहीं खराब, उसको आपको काम समझ आ गया, वो आपके साथ ही चलेगा। मेरे पास ऐसे क्लाइंट जो मेरे से 6-6 साल से चल रहे हैं, मतलब यूं समझ लो कि मैं समझता हूँ कि 6 साल पहले आई वॉज स्किल्ड इन कॉन्टेंट राइटिंग, कर रहा था, लेकिन मैं अगर अब अपने उस लेवल को देखूंगा कि मैं अब किस लेवल पे आ गया, तो मैं समझ उस टाइम तो बच्चा था, हालांकि उस टाइम मैं बहुत अच्छा लिखता था, मुझे लगता है मैं उस टाइम बच्चा था, मैं मेरा काम का लेवल कोई भी नहीं था। तो वो बात शुरू हुई थी स्कोप से, अब वो स्कोप वाली कहानी सारी घूम रही है, कॉन्टेंट राइटिंग क्या है, जर्नल आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, अमेजोन एफिलिएट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी मैं आपको सिखा दूंगा, कि आपने कॉपी राइटिंग के कॉन्सेप्ट को मिस ना करें, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा बीच में। फिर एक पिछले दिनों पहले मैंने एक नई चीज इजाद की, आज से 1 साल पहले, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, इसके जरिए मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। सिंपल क्या है, मैं एक सोशल मीडिया का पेज बना दूं और उसके ऊपर सोशल मीडिया के कीवर्ड रिसर्च करके, फॉर एग्जाम्पल मुझे बैंगल्स बेचने, ओके, मैंने कुछ आइटम्स ले लिए, या मुझे टी शर्ट्स बेचने, मैंने कुछ आइटम ले लिए, अब मैं उनके बारे में कुछ कंटेंट इकट्ठा करूंगा, कुछ टॉपिक्स निकालूंगा, उनको लिख के सोशल मीडिया पर कुछ नहीं करूंगा, पिक्चर्स लगाता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा, लेकिन माइंड में ये होना चाहिए कि 4-6 महीने से पहले मुझे कुछ सेल नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पर, ना कि पैसे लगाओ, एड चलाओ, फौरन से मुझे जाना स्टार्ट हो जाए। मैं जिन में ये रखूंगा कि मुझे 4-6 महीने सिर्फ अभी इसको तैयार करना है, मैं उसमें कीवर्ड निकाल के छोटा छोटा कंटेंट थ्रो करता जाऊंगा थोड़ा, फिर अगर मुझे उसमें थोड़ी सी भी ऐड चला दी ना, तो वो ऐसे बूस्ट करेगा ना कि आप इसको सोचे भी नहीं, उतनी स्पीड से काम जो है ना वो जंप करेगा। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, 70-80 अल्फाज का एक ब्लॉग लिखना, छोटा छोटा ब्लॉग, उसमें इमेजेस भी डिजाइन करने होते हैं, वो इमेजेस हम डिजाइन करना सीखेंगे, कैनवा एक टूल है पता होगा आपको, उसको यूज करते हुए हम डिजाइनिंग भी सीखेंगे, ब्लॉग पोस्ट की डिजाइनिंग भी सीखेंगे, पोस्ट के लिए डिजाइन कैसे बनाने हैं, उसमें हुक स्टेटमेंट्स कहाँ से डालनी है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक और बड़ा मेजर आ जाता है, वेब कॉन्टेंट, इसको हम वेबसाइट कॉन्टेंट कहते हैं, कि वेबसाइट कॉन्टेंट क्या है, सारा कॉन्टेंट ही वेबसाइट में जा रहा होता है, जो प्योर वेबसाइट कॉन्टेंट होता है ना, वो होता है जनाब आपका, जैसे कि वेबसाइट ओपन है और इसमें होम पेज कॉन्टेंट आप देखेंगे, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ आ रहा है, कंटेंट एंटरप्रेन्योर आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ रहा है, ये वाला जो कंटेंट लिखा हुआ ना, जो मैंने हाईलाइट किया, ये अब ना ब्लॉग पोस्ट है, ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ना सर्विस डिस्क्रिप्शन है, ये वेबसाइट कंटेंट है, कि एक बंदा जब लैंडिंग पेज पर फॉल करता है तो राइटर उसको किस तरह से घुमाता है, उसे किस तरह से अपनी बातें एक्सप्लेन करता है अपने अपनी ऑडियंस को, अपने ट्रैफिक को, यार देखो ये मैं हूँ, या अगर ब्लॉग है या सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है तो वो कैसे है, सर्विसेज के भी मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, तो वो कैसे है, फिर मैं सर्विसेज बता रहा हूँ, छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप देख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, एफिलिएट आर्टिकल, वेब कंटेंट, सोशल मीडिया, प्रोडक्ट रिव्यू भी, ये भी अलग कैटेगरी होती है, ये एडवांस फॉर्म है, ये आपको ऐसा ऐसा जब अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल करेंगे ना, तो उसमें मेजोरिटी चीजें मैं कवर करवा दूंगा, कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, इसको भी आप छोड़, फिर ये बीच में आई एम रेडी व्हेन यू आर, योर ब्यूटीफुल कंटेंट इज राइट अराउंड द कॉर्नर। अब ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है, कि मतलब इधर उधर की बातें घुमा के अगले बंदे को एंगेज रखना है पेज के ऊपर, कि वो आए और पढ़े कि आगे क्या है और आगे क्या और उससे आगे क्या है, ये वेब कंटेंट है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसमें मत पढ़े स्टार्ट में, जब तक आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल ना हो गया कॉन्टेंट लिखते हुए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है, इसके ऊपर ना अगले बंदे की पूरी वेबसाइट बेस कर रही होती है, इस पर गड़बड़ कर दी ना काम हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी वेबसाइट ओपन होकर ओपन होती है बंदा भाग गया ना, काम खराब हो जाएगा, ब्लॉग में फिर चांस होता है कुछ ना कुछ पढ़ लेता, तो उसमें रिस्क लेवल कम होता है, इसमें रिस्क लेवल ज्यादा होता है। इसी तरह ये सर्विसेज वेबसाइट है,
ये मेरी मार्केटिंग कंपनी है, उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डिफरेंट तरह से कंटेंट आ रहे हैं, स्टैट्स आ रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन एडवाइजरी, ये डिफरेंट तरह से लिखा जाता है, उस पर रिसर्च बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे जी कंटेंट राइटिंग क्या होती है, तो आपके माइंड में होगा कि यार ये इतनी सारी चीजें हैं कंटेंट राइटिंग की, और अभी भी और है जिनको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, तो उससे भी एडवांस। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ऐसी चीज से जो कैश काउ है। कैश काउ से मुराद वो चीज जो बिकनी है, ऐसे जिसकी भरमार लगी पड़ी है, जिसका क्लाइंट बहुत है, उसको रोज कंटेंट चाहिए, वो आपकी तीन चीजें हैं। नंबर वन पे आपका आता है जर्नल आर्टिकल, ये आपका कैश कॉल है। छोटा बिजनेसमैन जिसको एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक सस्ता सा राइटर चाहिए जिसको वो मंथली बेसिस पे हायर कर ले और उसे वेबसाइट भरवाता रहे अपनी, सब कुछ घर बैठ के। और स्कोप पे मैं आ रहा हूँ, उसके बारे में सर मैं बताता हूँ। ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट में अब इस वक्त जो मार्केट में चल रही है वो ब्लॉग पोस्ट नहीं है, वो दौर चला गया, अब चल रही है एसईओ ब्लॉग पोस्ट। उसके लिए आपको एसईओ का कीवर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी सीखेंगे। तीसरी हमारे पास चीज आती है Amazon affiliate article। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखा क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। गूगल पे हम जाते हैं, मुझे खरीदना है कोई चीज, बताए कोई चीज खरीदनी है, ऐसा दिल कर रहा है स्मार्ट वॉचेस, मुझे चाहिए स्मार्ट वॉच, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर बेस्ट वन, बेस्ट स्मार्ट वॉच। मैं गया जी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, मैंने गूगल से पूछा बताओ यार मार्केट में बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन से चल रही है, मैं वो खरीदूंगा। पहली वेबसाइट आ गई टॉम्स गाइड, अल्लाह अकबर, टॉम्स गाइड, टेक रडार, पीसी मैक, टेक्नोलॉजी में इनसे बड़ी वेबसाइट आज तक नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बड़ी वेबसाइट देखनी हो, चार पांच वेबसाइट है, टॉम्स गाइड, टेक रडार, पीसी मैक, दिवर्ज, इनका कंपेटिटर आज तक नहीं है। यहाँ गोरा राइटर बैठा है और ये उस गोरे राइटर को लाखों डॉलर पे कर रहे हैं, ये मतलब फाइनेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड अगर इन साइट्स की बात की जाए तो। अच्छा, अब मैंने सर्च किया टेक रडार, तो सॉरी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस मैंने सर्च किया, तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मुझे वो क्या बता रहा है, बेस्ट स्मार्ट वॉच 2022 टॉप पिक्स फॉर एवरी बजट। मैंने बजट तो दिया ही नहीं उसका, लेकिन वो मुझे बता रहा है फॉर एवरी बजट। तो अब देखते हैं उनका बजट क्या है, एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया और टॉप पे आ गई साइट कंटेंट की बेस पर। बिल गेट्स कहता है कंटेंट इज किंग, कंटेंट वाकई में किंग है, उसने एक दिन पहले पोस्ट किया है कंटेंट। मेरा जो मिनिमम रिकॉर्ड रहा है ना, नॉर्मली लोगों का कंटेंट 3 महीने 4 महीने में जाकर रैंक होता है, मेरा मिनिमम रिकॉर्ड रहा है 1.5 महीना। मैंने कंटेंट लिखा था एक न्यू वेबसाइट के लिए सर, बिल्कुल स्टूडेंट्स आप भी सुने ऑनलाइन वाले, न्यू वेबसाइट थी, उस पर मुश्किल से कोई 3 से 4 पोस्ट थी और वो विदिन 1.5 मंथ वो कंटेंट चौथे नंबर पर था और वो आज भी चौथे नंबर पर है। यूएस क्लाइंट इंडिया का था, कीवर्ड यूएस का था और वो कंटेंट आज भी चौथे नंबर पर है। उसने उसके बाद बहुत सारे लिखवाए अपनी वेबसाइट पे, अब वो एआई पे चला गया, एआई पे भी हम डिस्कस करेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स। एआई बहुत अच्छी चीज है, यूज करनी आनी चाहिए, आपके काम को आसान करता है, लेकिन टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे राइटिंग के टूल्स आए हुए हैं, जैस्पर हो गया, copy.ai हो गया, जैस्पर ज्यादा चल रहा है, वर्ड हीरो चल रहा है और 2-3 और है वो आपको परचेज करने पड़ते हैं, उसको पे हम काम जरूर करेंगे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 100% पर रिलाय करें। ऑनेस्टली मैं खुद भी उसको यूज करता हूँ, लेकिन उसको यूज करने की भी टेक्निक है, जब तक आपको राइटिंग नहीं आएगी ना तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, काम खराब हो जाएगा। तो गूगल उसका क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट एआई कंटेंट लिख दिया ना वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट को लिख दिया, वो एकदम से बूम करेगा उस पर, तो एकदम से 0 पे आ जाएगा, तो साइट फारिग हो जाती है। अच्छा, अब स्मार्ट वॉचेस की हम बात कर रहे थे, उसने कहा जी व्हाट इज द बेस्ट स्मार्ट वॉच, ये है एफिलिएट आर्टिकल जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसने बेस्ट स्मार्ट वॉच के बारे में बात की, व्हाट इज द बेस्ट स्मार्ट वॉच, एक उसने टाइटल दे दिया और उसने इसके अंदर मजीद उसने स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ मजीद बातें की। मैं बताता हूँ एफिलिएट से मतलब,
हम एफिलिएट में बात करेंगे ना, एफिलिएट हम लिखना जब सीखेंगे ना, एफिलिएट में अगर मैं बात करूँ मुख्तसर, तो उसमें प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज पेज बोलते हैं। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उन बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर हम रिव्यू लिखते हैं और उसके अंदर फिर कॉल टू एक्शन देखिए, देखो कि अगर आपको ये घड़ी पसंद है तो ये नीचे लिंक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये देखो फर्स्ट वन उसने प्रोडक्ट उठाई एप्पल वॉच सीरीज 7, उसने उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस लिखी, उसने उसके बारे में टुडेज बेस्ट डील, ये देखो यहाँ पे उसने हुक किया हुआ हमको, खरीदना है अमेजोन से खरीद लो और AT&T से खरीद लो, अमेजोन की भी दो लिंक दिए हुए उसने, और नीचे उसने प्रोडक्ट के बारे में मजीद बातें की। अच्छा अब ये है एफिलिएट आर्टिकल, मैंने देखा, मैंने इसको पढ़ा और मुझे ये अच्छी लगी और मेरे बजट में भी है, तो मैं चाहता हूँ यार, तो मैं बजाय कि मैं उधर जाकर सर्च करूँ, तो उसने मुझे यहीं पे भी लिंक दे दिया। मैंने इस लिंक पे जब क्लिक किया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक्टिव रहिएगा प्लीज, मैंने जब इस लिंक पे क्लिक किया तो ये मुझे अमेजोन पे ले गया, अमेजोन पे तो मैं वैसे भी जा सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो लिंक होगा ना, ये उसका एफिलिएट लिंक है, उस वेबसाइट ऑनर ने या उस बंदे ने अमेजोन पे जाके एक एफिलिएट अकाउंट अपना बनाया हुआ है, एक सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, इसके तहत अमेजोन कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट बेचो, हम आपको उस पर कमीशन देंगे। टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा कमीशन होता है, वेरी सिंपल, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं हो सकती, जैसे अमेजोन में डिफरेंट काम हो रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग और लोग दो नंबर काम करके जो पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें कोई दो नंबरी का चांस नहीं है। सिंपल है, मैंने ब्लॉग बनाना है, मैंने ब्लॉग को रैंक करवाना है, ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगी, ऑडियंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चीज खुद ही बिकेगी, इसमें मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं, मेरा सिर्फ एक कंट्रोल है कि मैंने अच्छा कॉन्टेंट देना। तो जब मैं यहाँ पे आया तो अगर हम इसका लिंक देखें, ऊपर जो लिंक मैंने हाईलाइट किया, ये लिंक है जनाब, ये आपका होता है एफिलिएट लिंक, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एफिलिएट लिंक कौन सा है, इसको चेक करते हैं, ये देखें आ गया। वेबसाइट का नाम क्या है तो बताएगा मुझे, टॉम्स गाइड। ऑनलाइन स्टूडेंट वेबसाइट का नेम क्या है, ऊपर वेबसाइट का नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉम्स गाइड। अमेजोन पे मैं गया, अच्छा मैं टॉम्स गाइड पे गया, मुझे एप्पल की वॉच पसंद आई और मैंने यहाँ पर व्यू एट अमेजोन पे क्लिक कर दिया, जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो मैं अमेजोन पे आ गया, अमेजोन पे आया तो उस लिंक को मैंने ऊपर से हाईलाइट किया, इज इक्वल टू ये टैग, टैग इज इक्वल टू टॉम्स गाइड डैश रो, ये उसका एफिलिएट लिंक है, जिससे अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये जो मेरे पास एक बायर आया है जिसने प्रोडक्ट परचेज किया है, ये टॉम्स गाइड के जरिए मेरे पास आया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में उसको कमीशन जनरेट हो रहा होगा और वो ऑटोमेटिकली उसकी वेबसाइट को वो कमीशन ट्रांसफर होगा, ये एक सिस्टम होता है पूरा। अब उसने इस स्मार्ट वॉच के अंदर कितनी सारी स्मार्ट वॉचेस चूज की है, आई थिंक 10 स्मार्ट वॉच, और एंड पे भी उसने एक लिस्ट बना दोबारा उनकी डिस्काउंट के साथ, और आगे लिखा था व्यू, कि व्यू का मतलब है मैं क्लिक करूंगा तो अमेजोन पे चला, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट कंटेंट राइटिंग। तो ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ कंटेंट है, ये हम अलग से लिखना सीखेंगे और इसके पैसे भी ज्यादा होते हैं, ये मिनिमम 2500 अल्फाज में लिखा जाता है, यानी कि अगर आप एक दिन में एक भी लिख लेना तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब एक एक्सपर्ट राइटर पे लिखे तो उसको अच्छा खासा टाइम लगता है उसको लिखने, और बहुत कम लोग इसमें हार्ड डालते हैं, मैंने डाला था इसमें और उसमें पैसा बहुत है, आपको अगर हफ्ते में दो आर्टिकल भी आप लिख लेते हैं इस तरह के Amazon affiliate blog post, इसको हम commercial blog post भी करते हैं, different तरह के words use होते हैं market में, informational blog post, commercial blog post, informational वो होते हैं जिसमें हमने किसी topic की information देनी है just, commercial वो होती है जिसमें हमने product के बारे में बात करनी, product को बेचना है, best gaming laptop, best smart watch, best leather shoes, best leather wallet, best कुछ भी, वो कमर्शियल में आता है जहाँ पे हम उसको एफिलिएट के साथ लिंक कर रहे होते हैं। अच्छा मोस्टली अमेजोन एफिलिएट पे काम हो रहा होता है, एफिलिएट में लोगों की अपनी वेबसाइट्स भी होती है, जैसे मुझे साइट का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी अच्छी बड़ी साइट है, फेमस साइट है, कुछ वेबसाइट जो पाकिस्तान में काम नहीं करती एफिलिएट की, जैसे एट से एक वेबसाइट है, ये पाकिस्तान में काम नहीं करती, और एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है उसका नाम नहीं मुझे में आ रहा अभी, मैंने उसको कोशिश की थी अकाउंट बनाने की बट मैं बना नहीं पाया था क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहा था पाकिस्तानी उसको, तो ये इजीली बन जाता। अभी अमेजोन एफिलिएट जैसे पाकिस्तान में अलाउ हुआ है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं अमेजोन के, तो चांसेस यही है कि वो उसको भी बंद करे। पहले ये होता था कि जैसे कोई मेरा रिलेटिव बैठा UAE में या सऊदीया में, तो उसके नाम पे अकाउंट बना लिया और अपनी वेबसाइट बना लिया, वहाँ से पैसे रूट कर लिया,
अब वो मामला जो है चेंज होते जा रहे हैं। बहरहाल इसका क्लाइंट आता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में है या नहीं, जब हम उस लेवल पे जाएंगे तो हम उसको करना भी सीख लेंगे कि हमने किस रास्ते से उसको ट्रैक करना है, किस रास्ते से हमने अकाउंट बनाने, किस रास्ते से हमने क्या करना है, वो हम उस टाइम भी देख लेंगे। तो अभी इनिशियल लेवल है, तो हमारा मकसद मेन गोल क्या होगा कि हमने इसको स्किल की सर्विस ऑफर करके पैसे कैसे कमाने हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज आती रहती हैं, उसके बारे में बात करूँ, फिर मैं अर्निंग स्टैट्स पे आता हूँ। कंटेंट जब लिखा जाता है ना, तो गूगल की कुछ पॉलिसीज आती हैं। गूगल के 200 प्लस फैक्टर्स हैं एसईओ और कंटेंट को लेकर, जो कि कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। 200 फैक्टर्स यानी कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है और मैं उसको लिखते हुए 200 फैक्टर को मद्देनजर रखूँ। एग्जैक्टली एल्गोरिदम चेंज हो रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम्स को हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं, उसको हम कैसे उसके साथ चल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक 15 to 20 चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो कर लेना तो ऐसी की तैसी 200 एल्गोरिदम। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको अगर आप मीट कर लो तो कुछ भी नहीं होगा कॉन्टेंट, वो होती है रीडर इंटेंट। ये रीडर इंटेंट सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, ये करने में भी उतना ही आसान, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बड़ा इजी पीसी सीन है। रीडर इंटेंट क्या होती है कि मैंने रीडर को अपने साथ एंगेज रखना, उसको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर कोई जानना चाहता है कि थिंग्स आई नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग माउस या बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, मुझे एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या बेस्ट गेमिंग माउस खरीदने से पहले किन चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, तो ऑब्वियसली मैं उसको बताऊंगा कि अगर आपने लैपटॉप लेना है तो सबसे पहले आप अपना बजट देखो, आप किस ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो, आइदर गुड फॉर एचपी, डेल, लेनोवो, व्हाटएवर, आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कितने रैम आप चाहते हो, रोम कितना होना चाहिए, स्क्रीन कितनी होनी चाहिए। अब ये थिंग्स नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट लैपटॉप, गेमिंग चाहिए या बिजनेस लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए, नंबर पैड वाला हो, एलईडी कीबोर्ड हो। एक अब वो जब सर्च करे थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और उसके मैं बताऊं टॉप 10 के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो क्या मैंने उसको सही बात की है? जी जनाब बताइएगा। एक बंदा पूछ रहा है थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, कौन सी चीजें को मुझे मद्देनजर रखना है एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप खरीदते हुए। लेकिन मैं उसको बता रहा हूं लिस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो क्या मैंने उसको सही बताया? जवाब दें, सही गलत कुछ तो बोले, ठीक है, बाकी आप भी बताएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, एक ही ऑप्शन है, और मैं उसको बता दूं टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप टू बाय इन 2022, मैं उसको ये चीज बता दूं, यस तला यू आर राइट, बाइंग ऑडियंस का सवाल है कि किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए गेमिंग लैपटॉप खरीदने के लिए, और मैं उनको बता रहा हूं कि यार ये बेस्ट लिस्ट है, मैच नहीं कर रहा। अभी उसको हमने देखो, कंटेंट में हमेशा, कंटेंट राइटिंग में या इंटरनेट की दुनिया में हमेशा छोटे छोटे चंक्स को कवर किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। यहाँ पे आप कॉमन सेंस को साइड पर रख दें एक मिनट के लिए, यहाँ पे आप जहानत को साइड पर रख दें, आप यूं समझ लें आपके ईडर को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल फारे का दिमाग से, उसको आपने छोटे छोटे चंक्स पे गेम करनी है उसको। अब देखो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताऊं तो मैं उसकी स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली दूंगा, लेकिन मैं एक बंदे को एजुकेट कर रहा हूँ, उसे गाइड कर रहा हूँ, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बाइंग गाइड्स,
जैसे ये अभी किसने तलहा ने जैसे कहा कि बाइंग गाइड होनी चाहिए, तो बाइंग गाइड क्या है कि मैंने उसको खरीदारी करने से पहले करवाने से पहले उसको गाइड करना है, उसके बाद फिर मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। अब दो तरह से कंटेंट लिखा जाता है, एक होता है कि मैं बाइंग गाइड और लिस्ट साथ दे दूं, जैसे कि आई थिंक फर्स्ट बाइंग गाइड बाद में लिस्ट भी प्रोवाइड करें तो बेस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे डेवलपर के नाम से, ये डेवलपर के नाम से जो भी अकाउंट है काइंडली आप अपने उसको रीनेम करें। रीनेम करें तो फिर ऑफ करो, ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, अब डिफरेंट तरीके होते हैं कि मैं एक ही कंटेंट को उसको बाइंग गाइड भी दे दूं और साथ में उसको लिस्ट ऑफ कर दूं। लेकिन बड़ी गेम पे जाना तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को कवर करो, एक कंटेंट लिख दो पूरा का पूरा बाइंग गाइड का पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ कर दो। अब हमारे पास अमेज़न के अंदर ही मैंने आपको दो चीजें बता दी, बाइंग गाइड के अलग पैसे लूंगा कौन क्लाइंट से, लिस्ट लिखने के अलग पैसे दूंगा, दोनों तरह से पैसे मारूंगा उससे। उस पर आप एजुकेटेड हो गए तो आप उसको भी एजुकेट कर सकोगे। जैसे क्लाइंट ने कहा कि यार इतना लफ्ज के बाइंग गाइड लिख दो, इतना लफ्ज के रिव्यू लिख दो, मैंने कहा भजन क्यों, क्या हो गया, कहाँ बैठे हैं आप, किस दुनिया में रहते हैं आप। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट जो भी थी, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे लिख देता हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैंने कहा आपको लैपटॉप के बारे में लिखवाना है तो मेरी बात सुनो, 2500 वर्ड का आर्टिकल है ना, मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके 3500 कर लो, 3500 लफ्ज का लिख लो। उसने कहा वो कैसे, मैंने कहा मैं आपको प्लान देता हूँ। मैंने कहा मुझसे बड़ा कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट नहीं मिलेगा आपको, मैंने तो उसकी जेब से पैसे निकलवाने और अपना अपना एक्सपोजर भी बढ़ाना था। हालांकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट थी ना, मैंने उसकी प्रोडक्ट पे लिखने के लिए कई बुक्स पढ़ ली, मुझे उसके बारे में डाटा नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैंने उसको चैलेंज लिया और लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो रैंक कर रहा है आज तक। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, 1500 लफ्ज की लिखवा लो, 1000 लफ्ज की गाइड लिखवा लो बस, ज्यादा की नहीं लिखवाओ। और मैंने कहा 2500 का दूसरा लिखवा लो प्रोडक्ट लिस्ट पर। मैंने वहीं पे 1000 लफ्ज बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीस करके 3000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। सर मेरी तो स्पीड है, मैं तो 3-4 घंटे में आराम से लिख लेता हूँ, मतलब दिन में अगर मैं 2000 लफ्ज लिख लूँ तो 20-25 हजार की इनकम जनरेट होगी, अगर मैं टिक के इंसान का बच्चा बन के काम करूँ मैं एक दिन के, क्योंकि मैं चार्ट बहुत ज्यादा करता हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तानी में, पाकिस्तान में 2 रुपए में एक अच्छा राइटर मिल जाता है, लेकिन जब आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट, देखिए इंडिया वाले को तो आधा पड़ा ना, ठीक है, अगर हम बात करें डॉलर्स की तो उसको तो पेनीज में पड़ा, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो पीनट्स हैं, क्योंकि $1 $200 एग्जैक्टली मिल जाती है। अपर पे मैं हालांकि काम नहीं करता। तो एक दफा स्टूडेंट्स आप भी सुन रहे, मजे की बात है, मैंने शरारत में ना रात को ऐसे फारिक बैठा हुआ था ऑफिस से घर आया, तो मैंने शरारत में मैंने कैसे चेक तो करें मेरी अपर की प्रोफाइल खानी पड़ी थी, वो मैंने सिर्फ बनाई थी पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, क्योंकि पास क्लाइंट्स के पास ना पेपॉल है, तो पेपॉल हमारे यहाँ आपको पता होगा नहीं चलता पेमेंट मेथड है, पेपॉल नहीं चलता पाकिस्तान। तो मैंने कहा क्या करूँ, मैं किसी सप्लायर के पास जाऊँगा वो अलग पैसे लेगा, 20% चार्ज करेगा। तो मैंने खैर थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला, अब उसने मुझे काम दे दिया, मैंने उसको काम स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा अच्छा पेमेंट का भी कुछ करते हैं। अब वो इंडिया से अगर बैंक की ट्रांजेक्शन होती तो वो उसको भी हाजिरी देनी पड़ जानी थी और मुझे भी हाजिरी देनी पड़ जानी थी, इंडिया से पैसे आ रहे हैं। तो वो मैंने खैर सर्च किया, मैंने कहा अब क्या करें, मैंने अपवर्क खोला, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई, हालांकि मेरी अपवर्क की प्रोफाइल नहीं थी। और मुझे सच बताऊं, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, आप लोगों को भी सिखाऊंगा, मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो जो 20% काटते हैं ना मुझे वो बड़ा दुख है, अपवर्क भी काटते हैं। मैं जब डायरेक्ट क्लाइंट जाता तो मेरे 3-4% कटते हैं, मतलब $100 कमाए, $100 में मेरा $3 या $4 हाथ $5 कट गया, $15 बच गए, वो सीधा सीधा $20 वो काटेंगे, फिर जब वो कन्वर्जन करेगा बैंक रेमिटेंस उसके 2-3% अलग कटे, तो $100 में से मेरे जो है वो $25 तो वैसे निकल गए, मैं क्यों जाया करूँ अपने $25। अच्छा, अब वो पेपॉल का उसका फिर क्या हल था, बहुत अच्छी बात, अगर आप शहर इतने कम टाइम में लिख लेते हैं ये अच्छी एवरेज है, हाफ डे, अगर आप कमर्शियल आर्टिकल लिख लेते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ना प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अगर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं बड़ी कॉमन होती हैं, लाइक गेमिंग लैपटॉप हो गया या बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हो गई, उन पर हम इजीली लिख लेते हैं, बास प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर डाटा अवेलेबल नहीं होता,
और वो हमने डायरेक्ट Amazon से सर्च करके लिखनी होती है, Amazon से ही डाटा निकालना होता है लिखने के लिए, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो वो वन एंड हाफ डे बहुत अच्छी एवरेज है, अगर आप 2500 वर्ड का आर्टिकल इतने टाइम में लिख लो तो ये बहुत अच्छी एवरेज है, ये नॉट बैड, मतलब ये तो शायद से भी अच्छी है, तो बस उस बहुत काम दिखाऊंगा। अच्छा, तो वो बात हो रही थी उसकी अपवर्क की, तो फिर उसको मैंने क्या किया, उसका तरीका क्या होता है, फिर हम अपवर्क पे एक अकाउंट बनाते हैं। अपवर्क पे दो ऑप्शंस होती है प्रोजेक्ट्स में, एक होता है जो वो प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं हम वहां से पैसे विड्रॉल लेते हैं, एक उसमें होती है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लाइंट हैं, आपने मुझे पैसे भेजने हैं, मैं अपवर्क की प्रोफाइल बना के उसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑप्शन पे जाऊंगा और आपको उसका लिंक देख दे दूंगा, आप उसको ओपन करेंगे, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि इतने वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट और इतनी पेमेंट और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज देंगे अपवर्क वापस, मुझे अपवर्क की नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब अपवर्क यहाँ पे एज अ मिडल मैन काम कर रहा है, जिसमें वो उस क्लाइंट से अगर वो $100 मुझे पे कर रहा है वो उससे 100 ही रिसीव करेगा, उसको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, और मुझे जब वो पेमेंट मेरे अकाउंट से निकालेगा तो मुझे वो 100 के बजाय 96 पॉइंट समथिंग मुझे दे, इस पे वो 4 पॉइंट समथिंग मुझसे काट दे, और अगर डायरेक्ट हो तो वो 20% काट दे, 20% मुझे सर मेहनत होती है, लिखोगे तो पता चलेगा, लिखोगे तो पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। अच्छा, जब लिखना आ जाएगा तो फिर आपके लिए मजाक बन जाएगा, फिर आप जब लफ्जों के साथ खेलना आ जाएगा, वंस आपको डाटा सर्च करनी आ गई ना, ऐसे कंटेंट जनरेट होगा, क्योंकि इसमें गेम में डाटा सर्च किया था। अच्छा, डाटा निकालना आ गया ना, गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, अच्छी बात है। गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बात करें, ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा होता है ये, इस पर डिस्कस करेंगे पसंदी से। अच्छा, बात हो रही थी अर्निंग की, लास्ट पॉइंट, कितने पैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं और हम इसमें क्या करेंगे। हमने इसमें कुछ चीजें जो सीखनी है ना, पहले हम जरा आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हम लोग करने का जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। स्टार्ट करेंगे हम जनरल आर्टिकल से, एक बेसिक लेवल का आर्टिकल जिसमें हम 650 वर्ड्स का एक कॉन्टेंट लिखना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ नहीं भी पता ना वो उसको सीख के इजीली काम कर सकते। जनरल आर्टिकल का जो मार्केट का रेट है, पाकिस्तान की मार्केट की बात करूं, मैं इंटरनेशनल मार्केट में कह रहा हूं, PKR पर वर्ड या वो हायर कर लेते हैं 15,000 से 20,000 पर मंथ। क्या आपने जनाब कुछ देर काम करना है ऑफिस बेस या रिमोट ऑफिस बेस की ज्यादा होती है, और आपको 15,000 से 20,000 पर वर्ड दे देंगे, आपने कोई एसईओ के आपको एक टाइटल दे देंगे, उस टाइटल पे आपने एक पैराग्राफ लिखना, फिर एक बार बुलेट्स बनाकर उसको क्लोज, कोई हैवी ड्यूटी काम नहीं, बड़ा इजी काम है, इसमें छोटा जनरेटर यूज होता है, बड़ा भी नहीं होगा, दिमाग इजीली काम कर लेता है। सर ये डिपेंड करता है स्पीड पे, ये एक घंटे में आधे घंटे में भी लिखा जाता है, मैं अपनी बात करूँ स्टार्टर है 3 घंटे में लिख लेंगे। देखो जब आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे ना स्पीड आपको खुद ही टाइम खुद ही कम होता जाएगा। नहीं जब आप लोग, अच्छा दो तरीके होते हैं काम करने के, एक क्या होता है कि आप पहले नोटपैड पे लिखो फिर उसको कन्वर्ट करो MS डॉक्यूमेंट के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर, तो ये ट्रिक टेक्निक अच्छी है लेकिन टाइम टेकिंग है, वही नोट्स आप MS वर्ड पे बना लें। ये काम मैं अभी भी करता हूँ कभी कभी, जैसे सर बता रहे हैं ना कि पहले आप नोटपैड पे लिख लें, क्योंकि बाद में स्क्रीन देख देख के ना ऐसे तैसे हो जाए, तो मैंने ऑफिस में ना एक बड़ी LCD लगाई हुई है जो मेरे से दूर है काफी, तकरीबन इस दीवार से भी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो मैं उस पर डाटा सर्च कर रहा होता हूँ और वो यहाँ बैठ के पॉइंट्स मेन पॉइंट्स बना लिए, क्योंकि मैंने पढ़ लिया ना उसको एक दफा, तो वो जहन जब आप पढ़ते रहते हैं ना तो जहन आपका यूज हो जाता है, फिर आपने अगर 2000 अल्फाज पढ़े हैं ना तो जब आपने की पॉइंट्स लिखे, जैसे स्कूल में होता था ऐसे लिखना है, वो बस हेडिंग्स का रट्टा लगा लिया बाकी बीच में गप्पे मारते रहे बैठ के, तो यहाँ भी गप्पे ही मारनी है लेकिन गप्पे तमीज वाली मारनी है, वो गप्पे जो मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है, मेरी ऑडियंस जो गप्पे जानना चाहती है तो मुझे क्या गप लगानी है, बट वो चीज मार वही चीज है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में जब टाइम हो आहिस्ता से लिख लिया उसको, एक दो दिन तक जहन में वो चीज रहती है, वो डाटा कंसिस्टेंसी पढ़ रहा होता हूँ, दो से तीन दिन बाद फिर जहन से निकल जाती है। अच्छा ये तो हो गया एक जनरल आर्टिकल टाइप।
बड़ा ही बेसिक सा आर्टिकल जो एक बिगिनर के लिए एक अच्छी चीज है। दूसरा हमारे पास जो एक कैश कम स्किल है दैट इज SEO ब्लॉग पोस्ट। इसमें सब हेडिंग्स आ जाती हैं, कीवर्ड्स इंटीग्रेशन आ जाती है कि मुझे अगर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के ऊपर लिखना है तो मैं कीवर्ड कहाँ कहाँ डालूंगा, कीवर्ड को कहाँ कहाँ प्लेस करूंगा और उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ मजीद चीजें हैं जिनको मैंने लिखते हुए इस्तेमाल करना, वो मैं कहाँ कहाँ पे प्लेस करूंगा, उसका स्ट्रक्चर मैं किस तरह से रखूंगा, तमाम चीजें। इसकी अगर हम बात करें, वैसे तो मार्केट खराब करने वाले बहुत से लोग बैठे हैं, मार्केट में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको 0.01 रुपी PKR भी दे रहे होंगे, यानी कि 100,000 अल्फाज के 100 रुपए, पर ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको 1,000 अल्फाज का 1,000 दे देंगे और ऐसे भी मिल जाएंगे जो 1,000 अल्फाज का आपको 20,000 दे। जी नहीं, स्टार्ट में मैं कहता हूँ हल्का काम कर लो उसको, आप ये समझ लें स्टार्ट में, आप उसको ये समझ लें कि मैं किसी के पास इंटर्नशिप कर रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर लूँ। हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी मेंटेलिटी ये है, हम क्या फीस चल रही है उसकी, 35K अ सेमेस्टर, कितना सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, कितने हो गए, 420,000 फोर ईयर्स। मैंने जब मास्टर किया था उस टाइम मेरी फीस तकरीबन फर्स्ट की 23 थी, फिर 21, फिर 19, इस तरह वो भी ऑफ डिफरेंट होती है ना, इवन और ऑड सेमेस्टर की। अच्छा जी, अब हमें चलिए जी एवरेज लगा लेते हैं, हमें 3.5 लाख, हम जरा सेफ साइड पे चल लेते हैं, 3,50,000 हम स्पेंड करके 4 ईयर्स लगा के इसके प्रैक्टिकल, मुझे पता है यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, मैं डबल मास्टर हूँ, LLB भी किया हुआ, ACCA भी किया हुआ, मुझे पता है यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है। मैंने सिर्फ पहले सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस पूरी थी, उसके बाद मैं 3 सेमेस्टर क्लास में नहीं गया, GPA 3.43 आउट ऑफ 4, मैं क्लास में लिटरली नहीं गया, मैं सिर्फ क्लास में सर को सलाम करने जाता था, सर ठीक ठाक है, खैरियत से, सर जाऊँ जाऊँ, उन्हें पता था सर नहीं बैठना क्लास में, काम करता था, लैपटॉप हर वक्त मेरे पास होता था, कैफेटेरिया बैठ गया कभी उधर, हर कैंटीन वाले से मैंने गैरी लगाई हुई थी, वहाँ 2,000 फेमस कैंटीन लगी थी, वहाँ लैपटॉप पर बैठ के काम करता रहा अपना या ग्रुप्स के साथ करता रहा, तो मुश्किल से क्लास में जाता था और डिग्री पास हो गई, तो वो आप ये से लाओ, और स्किल में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बात है कि मजाक ही होता है ना, यू आर राइट। हाँ, अब अगर आप कहते कि यार मजाक ना हो, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पढ़ाए, देन आप लम्स जाओ, IBA जाओ, नस्ट जाओ, प्याज जाओ, जहाँ पे अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, हर चीज स्ट्रिक्ट है, वो नहीं बख्शते। एनीवेज, हम बहुत कम लगा रहे हैं, कितनी जॉब मिल जाती है जरा सारे बताएं मुझे, एक्सपेक्टेड जो जॉब कर रहे हो ऑनलाइन वाले भी, मुझे तो पता है मार्केट का रेट अच्छी तरह से, अभी आप इसमें से लम्स को स्किप कर दो, IBA को स्किप कर दो, हम जनरल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी मेजोरिटी जाती है, 80-90% लोग जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट में UCP है, UL है, ठीक है, NCBA है, BCU है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, कितनी सैलरी मिल जाती है अगर आप एक बैचलर कर लेते हैं, क्या क्या है? मैं 30,000 कर लेता हूँ, ज्यादा कर लेता हूँ, चलो बल्कि छोड़ो पर है, 35 कर लेता हूँ, नहीं मिलती 35, ट्रस्ट मी, मेरी पहली सैलरी 15,000 रुपये थी मास्टर्स करने के बाद, और वो भी सिफारिश करके जॉब मिली थी, और मैं उस दिन रोया था घर आकर, लिटरली आई वॉज फोर्स्ड टू डू द जॉब, नहीं यू मस्ट हैव टू डू द जॉब, मैंने कहा मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास स्किल है, मुझे काम आता है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं 3 दिन में इतना कमा लूंगा जितना वो मुझे पूरे महीने का देंगे। वेल, मैंने जॉब पकड़ ली, जॉब पकड़ती थी, मैनेजर को मैंने पहले दिन बता दिया, उन्हें बंदा चाहिए था, उनकी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी कि मुझे जॉब पे जाना है, मैंने उसको पहले दिन बोल दिया, मैंने कहा जी दोपहर को 4 घंटे में गायब होऊंगा, काम आपको पूरा मिलेगा, वो मेरा मसला है, मैं काम जहाँ से मर्जी पकड़ के लूँगा, काम आपको मिल जाएगा, सेल्स की जॉब थी और फील्ड में निकलने का काम था, बैंकिंग सेक्टर में, मैंने कहा काम मिल जाएगा आपको, टारगेट पूरा हो जाएगा, वो आप छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा 4 घंटे जो है वो आप स्टूडेंट में होल्ड कीजिएगा, आप
बात कर रहा था मैं जॉब की, तो आई वाज फोर्स्ड टू डू द जॉब। मैंने वो भी पकड़ी और मैंने मैनेजर को पहले दिन कह दिया, मैंने कहा जी पहले जो चार बीच में चार घंटे में गायब हो, पहले तो उसने ओके कर दिया। बाद में उसने कहा क्या वजह है, मैंने कहा जी मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा 15,000 को, तो मैंने कहा ये तो मैं दो दिन में उड़ा देता हूँ, ये तो मैंने कहा मेरे लिए मसला हो जाएगा बड़ा, मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो उस टाइम मैं होटलिंग बहुत करता था, घूमता बहुत था, बहुत ट्रैवलिंग किया मैंने, बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान का हर कोना देखा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई होटल खुलना सबसे पहले जाके वहाँ होटलिंग करनी, तो वो मैंने उसको क्लियरली बोल दिया। उसने खैर बंदा अच्छा था, आज भी मेरा उनसे रिलेशन है, उसने मुझे कहा ठीक है ओके। अब 3.5 लाख की डिग्री 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मेरी पहली सैलरी। अब मैं अगर इसमें से अपनी डिग्री की कॉस्ट भी पूरे करने बैठ जाऊँ तो देख लें कितना टाइम लगता है, 2 साल तो शायद कहें लग ही जाएंगे। बीच में चलो जी प्रमोशन मिल जाए, कमीशन मिल जाए कुछ, सिर्फ जॉब से। मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, इतना अप्लाई किया कि शायद किसी ने अप्लाई किया। PPSC, CSS तक के एग्जाम दिए, कुछ नहीं बना। लास्ट मैंने PMS का एग्जाम दिया पिछले, अब तो ये अटैम्प्ट आएगा सिर्फ पिछले अटैम्प्ट। मैंने कहा एक चांस लेता हूँ, और मैंने उसने अपने आप से वादा कर लिया कि ये मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद में जॉब पर लंच नहीं हो। फिर फेल हो गया, पास हुआ स्टेट बैंक के टेस्ट में, इंटरव्यू तक पहुंच गया, सारे लेवल क्लियर हो गए, सिफारिशी आके बैठ गए। वहां पे उन्होंने मुझे एक्सक्यूज कर लिया, पता चल गया तो रिसोर्सेज थे पता करवा लिया होगा यार वो सिफारिश लगी है, लड़कों के नंबर भी कम थे, कुछ तो ऐसे थे जो नमूने फेल थे जो मेरिट पे भी नहीं थे, बट सिफारिश थी तो काम बन गया। खैर जॉब स्टार्ट की तो पता चला कि ये दुनिया। जॉब स्टार्ट करने से पहले मेरा दिमाग ना बड़ा खराब था, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा था, मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, वहां से मुझे 1.5-2 लाख रुपए मिल जाते थे, मैं ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग भी कर रहा था, तो वो कहते ना वो जिंदगी का स्वैग ही अलग था, हवा में था सब कुछ। तो मैंने कहा जॉब तो मसला ही कोई ऐसे मिल जाएगी, कुछ नहीं मरे से मरी 40,000 की तो मिल ही जाएगी ना। मैंने अपने आप को इतना लो कर लिया, तो यार जॉब है ना 40,000 की तो मिल ही जाएगी मरे से मरी। तो वो जब वहां गए तो पहले तो मिली ही नहीं ना, पहला सवाल तो ये था मिली ही नहीं। डिग्री कर ली है जनाब ने और मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइज्ड भी कर ली है, जॉब नहीं। रेफरेंसेस यूज किए तब भी बहुत मुश्किल हो गई, फिर एक जगह पर रेफरेंस मिला तो जहाँ पर जॉब बढ़ी, फिर उस मैनेजर के साथ बना के रखी, अच्छा काम किया, वो फिर आगे से आगे ले गया, फिर वो मैनेजर भी चले गए। फिर मेरे पे एक टाइम आया कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थे कि या मैं टीचिंग में चला जाऊँ, या मैं कंटेंट राइटिंग को ही आगे ग्रो कर लूँ, या मैं अपना जॉब स्विच करके अच्छी जगह चला जाऊँ। मैंने फिर एक चांस लिया, दैट वॉज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो एक चांस और लेते थे। मुश्किल से कोई 8 महीने मैंने जॉब की थी, 9वें महीने मैंने जाके हाथ जोड़े, मैंने कहा जी ये रिजाइन, मुझे माफी दो, मेरे से नौकरी नहीं होती। मैंने कहा आप महीने के बाद, 4 सालों में मेरी ग्रोथ अच्छी हो गई थी, मैं 15,000 से 17,000 में पहुंच गया था। खैर वो रीजन और थे, वो 17,000 में जाने के रीजन और थे, वो रीजन ये थी कि रेफरेंसेस थे, ताल्लुकात थे, ताल्लुकात की बेस पे अप्रोच करवा के कुछ ताल्लुकात बन गए थे डिपॉजिट्स के हवाले से, क्योंकि तो बैंक में डिपॉजिट बिकता है, आप जितना अच्छा डिपॉजिट देते हैं उतनी अच्छी आपको जॉब मिल जाती है। अब हर किसी का डिपॉजिट नहीं होता, हर किसी के पास हर किसी के अपनी मिलती है। तो मुख्तसर करें बात को, तो अगर सिर्फ डिग्री की बेस पर बात की जाए तो मैं इस चीज़ की मुझे खूबसूरती ये लगी स्किल की, इसमें कोई आपको कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसमें आप हैं और आपकी स्किल है। जनरल आर्टिकल 650 में मार्केट की बात करें तो ब्लॉग पोस्ट 0.7 रुपीज मिल जाता पर वर्ड, ये मैं एवरेज रेट बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स रेट नहीं है, ये पाकिस्तानी रेट है जो आपको फेसबुक से क्लाइंट मिल जाता है रेट। तो अगर आप 1,000 लफ्ज़ दिन का लिखते हो तो ये आपका बनता है, एक मिनट, ये हमारे 1,000 वर्ड्स की हम बात करें, ब्लॉग पोस्ट मिनिमम 1,000 वर्ड की होती है मेजोरिटी। बहुत कोई नमूना क्लाइंट मिल जाएगा जो कहेगा यार 650 पे लिखो या 500 पे लिखो, तो बहुत ही फारिक किस्म का होगा, मतलब नॉर्मली 1,000, 1,200, 1,500 लफ्ज़ तो मैं सेफ साइड पे चल रहा हूँ 1,000। 0.7 रुपीज बिगिनर रेट बता रहा हूँ, यहाँ आप देख लो 700 आपका जो है वो
एक ब्लॉग पोस्ट, एक दिन में आपने 700 रुपए कमाए, महीने का कितना हो गया 21,000। टाइम कितना दिया 4 घंटे। जॉब में कितने लगते हैं 8 घंटे। आधे टाइम में 21,000 और अगर डबल टाइम दे दिया तो 42,000। सेफ साइड पे कर लो 35,000, ऊपर का 7,000 भी उड़ा दो, टेक्नोलॉजी कभी काम आया कभी ना। घर बैठे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप भी नहीं चाहिए, एवरेज सा लैपटॉप चाहिए, इतना लैपटॉप हो कि इंटरनेट चल जाए और एमएस वर्ड उस पर चल जाए। मैं तेरा जहनी मरीज हूँ तो मैं बड़ी स्क्रीन से कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि तो मेरा बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, तो मैंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्क्रीन रखी हुई है अपने पास, बड़ी एलईडी भी रखी हुई है, मैक भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, शिफ्टिंग करता हूँ ताकि थोड़ा सा जहन जो है वो रिलैक्स रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी होते हैं, राइटिंग भी होती है, मार्केटिंग का काम भी होता है। उसके बाद रहता है अमेज़न एफिलिएट, अमेज़न कॉन्टेंट लिखने, अमेज़न कॉन्टेंट जो है ना वो पहली बात तो बिगनर को मिलता है, पहली बात बिगनर लेवल को बहुत मुश्किल से मिलता है अमेज़न कॉन्टेंट, अगर मिल भी जाए तो 1 रुपया पर वर्ड तो कहीं नहीं गया। 2500 वर्ड का आर्टिकल होता है, बात वही होती है कि दिन के 1250 वर्ड एवरेज होती है, अगर आप 2 दिन में भी लिखते हो 2500 पर वर्ड 2 दिन में तो 1250 पर डे आपकी इनकम बनती है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें वही मुकालिबन कोई 35,000 रुपये पर मंथ घर बैठे, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल है। अगर वक्त के साथ क्या होता है, अब एक बंदा एक टाइम में तीनों काम नहीं कर सकता स्टार्ट में, या तो वो जर्नल लिखेगा, अगर उसको ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी तो एकदम उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, अच्छा ये भी करना साथ में तो एसईओ वाला है उसको मैं कैसे करूँगा, तो अगर तो आप कहते हैं कि नहीं यार मेहनत करेंगे काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक टाइम में तीनों भी लिखी हैं और बाद दफ़े अभी रिसेंटली मैंने क्लाइंट को छोड़ा, उससे मैंने हाथ जोड़े एक्सक्यूज किया, वो क्या करता था 50 आर्टिकल दे दिए एक हफ्ते में, 50 आर्टिकल और एक हफ्ता है, यानी कि एवरेज लगाए दिन की कितने बनकर 7 आर्टिकल जो कि तकरीबन 750 वर्ड्स के, तो वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है चाइना की है, जैसे अमेजोन पे लोग चीज़ें बेचते हैं ना, जैसे मैं एक वेबसाइट बना लूँ और मैं उसका लिंक कर दूँ अली बाबा या अली एक्सप्रेस के साथ जो कि चाइना की ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसका काम वो अपने प्रोडक्ट्स देता था मुझे, वो प्रोडक्ट्स जो और वो होल सेल प्रोडक्ट्स है मजे की बात, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो एक था प्रोडक्ट, उसका नाम मुझे भूल गया, चिकन पता नहीं उसको मुझे नाम मुझे थ्रेडर था आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे वो नाम उसको वर्ड नहीं आ रहा, वो एक मशीन होती है उसमें वो हमारे यहाँ तो मुर्गी को हलाल किया जाता है ना, तो ज़रा पता है वो गोरे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो वो उसको क्या कहते हैं मुर्गी को वो कट लगा के उस मशीन में डाल देते हैं बॉयल गर्म पानी से निकाल के, उसमें वो मशीन घूमती है तो वो मुर्गी के सारे पर हर चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है, वो बिल्कुल एक खाली हैंड निकल आती है बॉयल, वो एक मशीन, अब वो उसकी प्रोडक्ट थी होल सेल फॉर सप्लायर्स, कि अगर कोई पाकिस्तान में इंडिया में दुनिया में कहीं भी इस मशीन का बिजनेस करना चाहता है तो मेरे से बल्क में ले लो, तो उसके लिए वो कंटेंट लिखवा रहा था उस प्रोडक्ट्स और उनके बेनिफिट्स के, तो वो 50 आर्टिकल हर हफ्ते दे रहा है, किसी हफ्ते 70 आर्टिकल दे रहे हैं, तो 4-5 लोगों की टीम थी, मैंने उससे हाथ जोड़ लिया, मैंने कह रहा वापस किसी और को दे दो, मैंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस पर काम मेरे से नहीं होता, उसे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए थी, उसे एसईओ भी करवानी थी, उसको कंटेंट भी चाहिए था, अब वो एसईओ मैं खाली एसईओ भी करता था ना तो मेरा टिकटॉक टाइम लगता, वो पे कम फिर वो पे भी कम कर रहा था बट वो कंसिस्टेंट अमाउंट, तो फिर मैंने छोड़ के मैंने एक और टीम है मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा आप संभालो क्लाइंट के साथ, मैंने उनको सेटिंग करा दी, फिर क्लाइंट वहाँ पर और छोड़ा होगा, कह रहा मैं उसको और कम पैसे दूंगा, मैंने कहा यार अभी आपने पहले ही कम किया डॉलर का रेट बढ़ रहा है, कह रहा कि लेना तो लो वरना ठीक है कोई मसला नहीं, था भी जरा जेनी मरीज क्लाइंट चाइनीज था, उसको इंग्लिश वंग्लिश भी नहीं आती थी ज़्यादा, पूरी सूरी इंग्लिश बोलता था फूटी फूटी, गुड को वेरी गुड को गुड वेरी लिखता था, चाइनीज की इंग्लिश सबसे पुअर इंग्लिश है पूरी, तो वो उस बंदे ने कहा ठीक है जो आ रहा है उसको रेगुलर, मैं कहा रेगुलर है चलेगा क्लाइंट चल जाएगा, रेगुलर काम देगा और टाइम पे देगा और टाइम पे लेगा, पर वो चल रहा है उसके पास, मैं 1.5 महीने से छोड़ दिया उसको। अच्छा ये तो बेसिक लेवल रेट, अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे के एक्सपोनेंट देखते हैं आगे कितना कमा सकते हैं, तो सिंपल है जनाब, स्टार्ट में आपको जो आपका स्टेप वन होगा ना, स्टेप वन में आपने क्या करना है, आपने
इंक्रीज योर वर्ड काउंट, अपना वर्ड काउंट इंक्रीज करना है, यानी कि अपनी लिखने की कैपेसिटी ज्यादा करनी है, आपने अपना काम बढ़ाना है, आपको काम बढ़ाना है, आपने ये सोचना है कि मुझे जहां मैं 1000 लफ्ज लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वहां मुझे 2000 लफ्ज लिखने हैं, मुझे अपना काम बढ़ाना है ताकि मैं ज्यादा कमा सकूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप टू क्या होगा, डिक्रीज योर वर्ड एंड इंक्रीज रेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोसीजर क्या होगा कि मुझे लिखना कम है और मुझे क्वालिटी क्लाइंट ढूंढना। फिर आप क्या करोगे, फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाओगे। पहला प्लेटफॉर्म हमारा होगा फेसबुक। फेसबुक से बड़ा स्कैम भी होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। फेसबुक, फेसबुक पे भरा पड़ा क्लाइंट, कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, बेतहाशा ग्रुप्स हैं। आप आ जाके पोस्ट करें कि मैं एक राइटर हूँ, इनिशियल लेवल पे होंगी हूँ, वो आपको बताऊंगा। आपके पास इनबॉक्स में खुद ही लोग आ जाते हैं। और ये वो बातें मैं करूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैंने खुद फेसबुक से बहुत क्लाइंट पकड़ा, छोटा क्लाइंट पकड़ लो। अगर आपको अपनी राइटिंग पे भरोसा नहीं है, आपको एतमाद नहीं है, स्टार्ट तो लोग जैसे तला तारिक ने कहा कि सर लिखना ही स्टार्ट नहीं हो रहा, उसके लिए फिर कुछ चीजें होती हैं। अब चूंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया, तो वो हमसे पहली बात पोर्टफोलियो मांगते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है आपका, राइटर का, राइटर ने कितना काम किया हो। चलो बिगनर भी है, कुछ तो लिखा होगा, कोई तो प्रैक्टिस की होगी। तो बिगनर के लिए फिर क्या होता है कि उसका पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, जो कि 99.9% स्टूडेंट्स नहीं बनाते, फ्रीलांसर नहीं बनाते। और इस यही वजह है कि फ्रीलांसिंग में सक्सेस रेट फिर कम हो जाता है, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे सीजन्स देखना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए यूट्यूब पे सॉन्ग सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे लिए और प्रायोरिटीज हैं, लेकिन मुझे पैसे भी कमाने हैं। तो 24 घंटे में से आप चलो जी 6 घंटे भी अगर सो लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली 8 से 10 घंटे की नींद होती है स्टूडेंट की, पर आप 6 घंटे भी सो लेते हो, 18 घंटे हैं, यूनिवर्सिटी भी जाना है, जॉब पे भी जाना है, कि काम कब करोगे? फ्री टाइम में जी मुझे रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है, तो फिर आप रिलैक्स ही रहेंगे सर। जिसने काम करना है, मेरी स्टूडेंट्स हैं लाहौर की, वो ग्रुप था बेसिकली, उसमें से 2 कराची की हैं और 1 लाहौर की है। 1 के 4 बच्चे हैं, 1 के 5 बच्चे हैं, 1 के 3 बच्चे। उन्होंने मेरे से एक बड़ा एडवांस कोर्स बाय किया था, वो तीनों आ गए मेरे पास, कह रहे सर हमें आप अपना सबसे एडवांस कोर्स करवाएं। जो आप जी सर चल रहा, सब कुछ चल रहा। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको? आ रही है, ये साइड पे किया हुआ। अच्छा, वो एडवांस कोर्स जो था ना, उन्होंने कहा सर सबसे एडवांस कोर्स करना है। मैंने कहा हजम कर लोगे? उन्होंने कहा सर आप करवा देंगे तो कर लेंगे। चलो मैंने कहा जैसे जैसे कोगन है वैसे वैसे चीज़ों को फॉलो करना है। उन्होंने मैं एडवांस कोर्स किया, वो था 3.5 महीने का, और मैंने उनको पहले कहा, मैंने कहा आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने सर आप पैसे छोड़ दें, जहाँ से मर्जी मांगे आप करा दें, हमें आप पे भरोसा है। मैंने भरोसा अल्लाह पे करो, मेरे पे क्या करोगे सिखाने वाला। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने वो कर लिया, और कोर्स के पहला ही जब महीना ख़त्म होता ना, वो 4-5 और ले आए साहब। उन्होंने कहा यार ये कोर्स कर लो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। मुझे एकदम कॉल आई, सर वो 4 स्टूडेंट्स और हैं। तो मैंने कहा वो जो पीछे 1 महीना जो गुजरा, वो सर वो हम कवर करा देंगे, वो आप छोड़ो। ठीक है, नो इशू। अब उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि सर फीस ज़्यादा, तो आप ना हमें इंस्टॉलमेंट में कर दें। तो फीस बहुत ज़्यादा थी उसकी, मतलब ये फीस भी कुछ नहीं है, सर फ्री में पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं। वो मैंने आज से साल पहले बड़ी हाई फी चार्ज की, लेकिन मैंने गारंटी मेरी होगी, अगर मेरी चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो, नहीं करोगे तो गारंटी है कि 1 रुपया नहीं कमाओगे, कर लोगे तो गारंटी है तब भी कमाओगे। मुख्तसर ये कि उन्होंने फॉलो किया चीज़ों को, और अब माशाल्लाह उसमें से जो 1 स्टूडेंट लाहौर वाली, उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया हुआ, उसने वहाँ पूरी टीम बनाई हुई है अपनी, उसके पास ऐप डेवलपर भी बैठा है, उसके पास कंटेंट क्रिएटर भी बैठा है, वो पूरा प्लान था बिजनेस मॉड्यूल था पूरा, जिसमें मैंने हर चीज़ उनको सिखाई, वो चीज़ जो ऐसे बिकने वाली है, कंटेंट की, सोशल मीडिया के डिजाइन के,
ज्यादा मेजर क्वेश्चन कंटेंट करो, क्योंकि कंटेंट इज किंग, हर जगह पे कंटेंट हमें चाहिए होता है, चाहे डिजाइन बनाने हो कुछ भी करो। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप चीजों को फॉलो कर लेंगे, किसी एक्सपीरियंस को यूज कर लेंगे ना, आपका टाइम बच जाएगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने उन तीन शादीशुदा खवातीन की मिसाल दी, ये एक मिसाल है, वो आज मेरे साथ मेरी एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रही है, और अब उनका जो ग्रेड है वो एम्प्लॉय से हटके मेरे जो आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ चला गया, यानी कि अब मेरी उनसे आउटसोर्सिंग वाली डील होती है, अब वो मेरे साथ फिक्स सैलरी पे काम नहीं करती। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम इस लाइक नहीं है, हम इस लेवल में, नहीं करो, मुझे तो समझता नहीं, मैंने जो किसी तीसरे बंदे को काम देना है वो तुम लोग कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो काम करवाना है। मैंने कहा ये फेवर लूंगा कि पेमेंट में थोड़ा सा मेरा सेटअप जरा और तरह का, पेमेंट जैसे आगे पीछे होता तो परेशान नहीं होना, पेमेंट आ जाएगी, उसमें सर नो। तो अब क्या होता है, जैसे ज्यादा बल्क में काम आया तो मैंने उनको आउटसोर्स कर दिया, कुछ पैसे खुद रख के उनको दे दिया, उनसे काम करवा दिया। तो लेवल ऐसा ऐसा बढ़ता है। बात करने का मकसद ये है, चाहे ऑनलाइन बैठे हैं चाहे आप लोग बैठे हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो फिर जो कंफर्ट जोन आएगा ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। मुझे बर्थडे पार्टीज अटेंड करनी है, जॉब करो, टाइम से जाओ, टाइम से आ जाओ, कैलकुलेटर बन जाओ। अभी आज मैं देख रहा था कि क्लास मेरी 11:30 बजे स्टार्ट हुई है, मैंने सर से कहा था कि सर ऑनलाइन वालों को हमने 11:30 का लिंक दिया था जानबूझ के, तो पता था कि फिजिकल में बच्चा लेट आता है, सर गवाह है। मैंने सर से कहा था सर एक बच्चा भी आया ना, मैं 11 बजे क्लास शुरू कर दूंगा, बाकी आते हैं आते रहे मेरी क्लास, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस आधे घंटे में मैं 700 अल्फाज लिख लेता हूँ। जिस दिन आपको अपने टाइम की वैल्यू पता चल गई ना कि मैंने जो यहाँ पे 5 घंटे लगाए, इस 5 घंटे में मैं 2000 रुपये कमा सकता था, तो ट्रस्ट मी उस दिन आप खुद ही भागोगे वहां से, आपको क्या अच्छा अल्लाह आपसे एक घंटा होगा। डेली के 10 क्लाइंट्स को नॉक करना, अब सवाल नहीं कि 10 बंदे कहाँ से भरे पड़े हैं, दिखाऊंगा मुझे यहाँ पे जाके नॉक करना। सर अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, ग्रीटिंग्स, माय नेम इज इस्लाम, आई हैव दिस, आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस, ये स्किल ऑफर कर रहा हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट देखी, उसमें ये मसले थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सर्विसेज ऑफर करूँ। डेली के 10 महीने कितने हो गए, कितने हो गए जी, 1 मंथ के 10 भी छोड़ दो, चलो जी 2 दिन में छुट्टी कर लेता हूँ, 2 दिन में छुट्टी कर लेता, तो फिर भी 200 तो हो गए। तकरीबन यार 200 में से 2 बंदे भी नहीं आएंगे, क्या ख्याल है? 200 लोगों को अगर आपने अप्रोच किया, 200 में से क्या 2 लोग भी नहीं सुनेंगे आपकी? उन 200 में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टअप होंगे, जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया होगा, जिनकी वेबसाइट फ्रेश होगी, जिनका बजट लो होगा, जो चाह रहे होंगे कि यार एक बिगनर लेवल का राइटर हमारे पास आ जाए, बिगनर लेवल का फ्रीलांसर हम हायर कर ले, उसको महीने का 20,000-25,000 देके उससे पर मंथ काम करवा ले 9 to 5। गाड़ी स्टार्ट तो होती है, गाड़ी चलती तो है, 4 साल की डिग्री, उसके कंपेरिजन में यहाँ से बता रहा हूँ, मैं डिग्री के खिलाफ नहीं, डिग्री लाजमी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ मस्ट करनी चाहिए, डिग्री से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पता चलता है, आपको लोगों को बैठने की तकनीक पता चलती है, आपको लोगों से कम्युनिकेशन करनी आती है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती हैं, और आपको जो है वो टफ टाइम बेयर करना आता है, जैसे लास्ट नाइट स्टडी है, पूरा सेमेस्टर पता ही कुछ नहीं है, एग्जाम तो 2 दिन पहले नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं और लास्ट नाइट बैठ कर पढ़ के पास हो गए। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि लास्ट नाइट पढ़ के पास हो जाता है। तो अगर बात करें, अब इनकम बढ़ानी है, फेसबुक स्ट्रीम हम देखेंगे, लिंक्डइन इज अ जेम। पहले लिंक्डइन बनता था डिग्री के लिए, मैंने मास्टर्स कर लिया तो मैं अपनी स्किल, अपनी रेलिवेंट फील्ड की बना लूंगा और उस पर काम करूंगा, अब लिंक्डइन स्किल्स के लिए बनता है, जॉब्स आती हैं, रिमोट जॉब्स आती हैं, कंटेंट राइटिंग की जॉब्स आती हैं, नहीं सर रिमोट जॉब्स की बात करो, फिजिकल तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की भी बहुत आती है, जैसे अगर हम सिंपल जॉब्स की बात करें तो जॉब में अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग, ये भी मैंने मैं एक ओपन किया था अलग हमारे इसका, मैं इसको कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे
मैं चला जाता हूँ एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल, जो आप बिल्कुल फ्रेश हैं, हमें कुछ नहीं पता, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे रिमोट में। सारी बात है, मैं अमेरिका तो जा नहीं सकता, अपने घर बैठ के मुझे डॉलर्स कमाने हैं। ये आज का स्टेटस है, ये डेली अपडेट होता है। सोलरा इनकॉर्पोरेशन वेस्ट चेस्टर पीए रिमोट, 20 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए अभी तक अप्लाई किया है। तो अगर हम जरा इसको थोड़ा सा खंगाल लें सिर्फ टाइम जाया करने के लिए, एक मिनट। Who we are, the role, what you will do, आपका काम क्या होगा, primary objectives। अब ये हर चीज उसने बताई हुई कि हमें किस किस तरह का बंदा चाहिए और हम क्या पे कर रहे हैं, पे रेंज उसने यहाँ पे मेंशन की। ठीक है, अब LinkedIn पे हम ग्रो कैसे कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट राइटर, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। ये कुछ बोनस सेशन होंगे मेरी तरफ से जिसके हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको उसमें फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा, फ्रीलांसिंग भी और जॉब्स भी। कंटेंट राइटिंग की जॉब्स बेतहाशा थी, ऐसे फ्रीलांस राइटर चाहिए। ओलिवर चार्ल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये बंदा है डायरेक्ट, आप इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन के जरिए। अब ये क्या कह रहा है जी, द पेड पोस्ट इज $50 पर आर्टिकल। $50 का मतलब समझते हैं आप, सर यहाँ से मिलते हैं बंदे। आप कह रहे थे ना कि मैं इतना पैसे कैसे चार्ज करता हूँ, क्लाइंट कहाँ से मिलता है? $50 मरे से मरे 10 आर्टिकल तो पर मंथ होगा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, $500 एक बंदा, 1,07,000 भी है उसको। चलिए टैक्स निकालते हैं, रेमिटेंस का कन्वर्जन रेट 1,00,000 रुपये एक बंदे से। और अगर उसको आपको एक आर्टिकल पसंद आ गया वो क्राफ्ट है, ये मेरा चैलेंज है। जिसको आपको काम पसंद आ गया ना उसको नहीं जरूरत कहीं और जाने, क्योंकि राइटर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो नहीं जाएगा कहीं और, ट्रस्ट में उसको पता है भाई मेरे पास एक चीज सही चल रही है, एक मतलब मुझे अच्छा काम दे रहा है। मैं क्यों, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, मेरे पास 2 डिजाइनर्स हैं मेरे काम के लिए, मैं उनसे हाईली सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरे पास अगर कोई आता भी सर को डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटी को तो नहीं बेटा, नहीं है, 2 लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझे समझते हैं कि मुझे किस तरह की जो है आउटपुट चाहिए। इसी तरह और है, अब लिंक्डइन है, इंडीड है, rosy.pk है, एक और है वो mustaqbil.pk, ये पाकिस्तानी साइट सुनता हूँ, वहां पे भी बहुत राइटिंग की जॉब आती है। फिर आपका फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म है, फाइवर को हम देखेंगे, अपवर्क को हम देखेंगे, वहां से उसको नॉक कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, तो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये एक कंप्लीट, अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूँ ना कि एक बता कंटेंट राइटिंग से कितने पैसे कमा सकता है, तो मेरे लिए वो फिगर जो है ना बहुत बड़ा है। आप लोग शायद हंसे या शायद मजाक, मेरे लिए वो फिगर बहुत बड़ा है। कितने पैसे कमा सकता है वो, $10,000 भी कमा सकता है। मैंने खुद महीने में $8,000 निकाला जब मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग बस, तो और कोई काम नहीं करता था, मैं सिर्फ कंटेंट लिखता था। फिर मैंने क्या होकर लिख लिख के बिल्कुल जो है जहन तो मैंने सोचा यार, क्योंकि मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करता था, तो मैंने सोचा जरा डायमेंशन चेंज करें, पैसा ठीक ठाक इकट्ठा करें, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, चला सब कुछ था, कुछ ठीक है, सेविंग भी ठीक ठाक, इन्वेस्टमेंट भी मिलने, चलो ठीक है, चल रहा मामला। साथ रहना पसंद करता हूँ, ज्यादा कोई शोशा वाला मेरी आदत नहीं, वो मैंने फिर अपने डायमेंशन चेंज किए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गया। अब उसको एक्सप्लोर करने में लगा, कर भी रहा हूँ और उसको मजीद एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहूँ। अब लीड कहाँ करता है कंटेंट राइटिंग, भाई देखो आप सर्विस भी दे रहे हो, सर्विस दे के महीने का 50,000 निकाल रहे हो, बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है। फिर आप ब्लॉगिंग की तरफ चले जाते हो, ब्लॉगिंग का कोर्स जैसे सर करवा, ब्लॉगिंग में बहुत सारे पोर्शन हैं, लेकिन एट दी एंड बात पर कॉन्टेंट पर आ जाती है, तो वो उस पहले वाली टेक्निक्स को इकट्ठा करेंगे, अच्छा कंटेंट होगा। ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉगिंग बताऊं, ब्लॉगिंग का स्कोप क्या है,
ब्लॉग की कोर भी कंटेंट राइटिंग और एसईओ है, एसईओ सर करवा रहे हैं, कंटेंट मैं करवा रहा हूँ। एक ब्लॉग अगर आपका $1,000 आपको महीने का कमा के देता है ना, ब्लॉग्स में एड्स चलती है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट बोलते हैं ना उसमें सिर्फ एड्स आ रहे होते हैं, वो मोनेटाइज्ड एड्स होते हैं जिसको गूगल एडसेंस या फेसबुक है, मीडिया माइन है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म। तो आपका $1,000 का ब्लॉग पता है कितने का सुना था, पता है किसी को? एनीवन ऑनलाइन वालों, किसी को पता है ब्लॉग कितने का सेल होता है ऑनलाइन में? जिसको पता ना वो जरा चुप रहेगा। अगर आपका ब्लॉग आपको पर मंथ $1,000 की इनकम देता है और वो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है, अब ब्लॉग की दो टाइप्स होती है, एक होता है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मालूमाती कंटेंट होता है, एक ब्लॉग की टाइप होती है जिसमें Amazon एफिलिएट आर्टिकल्स, जिसमें एफिलिएट टाइप कंटेंट होता है, जिससे लोग कमीशन भी कमा रहे होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशनल है वो आपका 30x पे बिकता है, और जो आपका कमर्शियल है इंफॉर्मेशनल, वो अगर 1,000 कमा के दे रहा है तो वो 45 पे बिकता है स्टैंडर्ड रेट। और इसके बकायदा आर्बिट्रेटर बने हुए मिडल मैन है, आप उनको जाए अपनी साइट सबमिट करवाएं, वो साइट अपनी सेल पे लगा देंगे, वो 30 के बजाय 35 चार्ज कर लेंगे, 32 चार्ज कर लेंगे, आपको 30 मल्टीपल दे देंगे। तो एक 30 का मतलब है $30,000। ये ऐसे तो नहीं ब्लॉगर इतने अमीर हो जाते, ये आपका एसेट है, इट्स लाइक योर प्रॉपर्टी। कि मैंने एक घर बनाया, एक प्लॉट बनाया, उस प्लॉट को मैंने बेच दिया बाद में 30 मल्टीपल पे, अभी तक कोई चीज ऐसी मैंने एक्सप्लोर नहीं की। जो मतलब मैंने एक ब्लॉग खड़ा किया मिसाल के तौर पर 2 साल, मैंने एक प्रॉपर्टी ली 2 साल पहले 1,00,000 रुपए की, क्या वो 30,00,000 के बिके कि 2 साल में? तो घर, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी नहीं बिकती 30,000, और एफिलिएट वाला $45,000, ये $45,000 है। ये ब्लॉगिंग ऐसी कोई बीमारी है ना, जिसको लग जाए ना वो कितनी हटता है। मैंने एक ब्लॉग बेचा था अपना, वो $1,500 का था, तो मुझे शौक चढ़ा, नया नया था ना, मैंने कहा $500 $15,000 भी $150-160 का चलता है पुरानी बात, मैंने जोश में आके बेच दिया, मुझे बाद में बड़ा पछतावा हुआ, मुझे नहीं बेचना चाहिए। आज मेरे पास होता था कुछ ना 1,500-2,000 मुझे पर मंथ दे रहा होता, और फिर पर मंथ पैसे भी आ रहे हैं, फिक्स इनकम है, ब्लॉग सेट हो गए, फिर सोए रहो, पड़े रहो, बैठे रहो, मसला नहीं, वो ऑटोमेटिक पैसे दे रहा है। फिर आपने जस्ट उसको मेंटेन रखना है, तो $1,000 कमा रहे हो, किसी को $200 दे दो, आपको कॉन्टेंट मेंटेन करता रहेगा, आप बैठे रहो, $800 में घर भी चलता है, अच्छा खासा चलता है। $1,000 का मतलब है $2,50,000 रुपये पाते, यहाँ तनख्वाह में 1,00,000 की मौत लग पता चलता है, चीखें निकल जाती है बंदे के, बातें अलग, दलालत अलग। तो वो मल्टीपल का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, फिर हम लोग विन कर जाते हैं। गूगल अपडेट की वजह से सुकून नहीं मिल रहा, बिल्कुल यू आर राइट, उसकी वजह मैंने ऊपर बताई है अभी आपको, उसकी वजह मैंने ऊपर बताई थी, गूगल के 200+ फैक्टर्स, और उसमें मैंने एक फैक्टर की बात की थी, रीडर इंटेंट। जब तक रीडर इंटेंट मेंटेन रहेगी, गूगल कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, कल से हम लोग अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे, जर्नल आर्टिकल। नोटपैड पेन वगैरह सारे पास रखिएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जर्नल आर्टिकल की हम डाटा सेट स्टार्ट करेंगे, उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो बात जाते जाते बात हो रही थी इनकम की, अगर आप लीड्स टू कंटेंट राइटिंग को ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर ले तो इनकम देख लो $30,000 यार, अगर आप 1 साल में एक ब्लॉग बना के बेचते हो, 6 महीने में उसको रैंक करवाया, 6 महीने में $6,000 उससे कमाए भी घर बैठ के, तो बात समझ आ रही है आपको? 6 महीने में हम उसे कमा भी रहे हैं, बैठ के खा भी रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो कन्वर्जन हो रही है $30,000 में, सेल भी कर रहे हैं उसको, फिर बाद 30x फिक्स रेट है, $30,000 64,00,000 रुपए बन रहे, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 64,00,000 मैंने ज्यादा लिख दिया शायद, मैंने जोश में आके 1 0 ज्यादा लगा दी 6.4 million 64,00,000। चलो कुछ नहीं, सैड एरिया में कर ही ले लेता बंदा, बोसन रोड पर तो हालात खराब हुए हैं,
प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, ठीक है। तो ये था जनाब आज का हमारा एक सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा। तो बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी आप लूप में रहिएगा हमारे साथ, सवालात हैं सिर्फ हमारे पास 5 मिनट हैं। पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूँ फिर हम ऑफलाइन की तरफ आते हैं। जी एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर वो जो आप कह रहे हो ना यूनिक कंटेंट पे हिट होता है, देखो वो हिटिंग होती है कहीं ना कहीं पे, किसी लेवल पे होती है। मैं उसकी जो अभी तक मैंने जो चीजें जो निकाली हैं उसमें दो मेन रीजंस हैं। नंबर वन ये कि आजकल हो क्या रहा है, आजकल एआई कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि टूल के जरिए लिखा जाता है। अब टूल के जरिए जो कंटेंट लिखा जाता है ना उसको रीराइट करना बहुत जरूरी होता है, मोस्टली लोग उसको रीराइट नहीं करते, उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। अब आप चूंकि मेरे से उस लेवल का सवाल करें तो आई थिंक आपको चीजों को पता भी होगा, बाकी जो बिगनर उसको बाद में बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी कंटेंट जो होता है और कंक्लूजन कंटेंट जो होता है, जो एंड वाला कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें आपने बिल्कुल एज इट इज एआई कंटेंट यूज कर लिया ना तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी साइट डी रैंक हो जाती है। अच्छा मुझे नहीं याद, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एनीवेज वो इंट्रोडक्टरी कंटेंट जो होता है जो मैंने सिखाया था, अगर आप मेरे स्टूडेंट पर आपको पता होगा वहां पे अगर हमने गड़बड़ कर दी, हमने उसको एज इट इज जार्विस या जैस्पर जो नया टूल है उसे यूज कर दिया, किसी भी एआई कंटेंट से यूज कर दिया या कंक्लूजन, क्योंकि मोस्टली ऐसे भी टूल है जो जिन्होंने स्पेसिफिकली ऑप्शंस दी होती हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए और कंक्लूजन लिखने के लिए, तो अगर आप उसको एज इट इज यूज कर लोगे ना तो डेफिनेटली हिट पड़ती है साइट के ऊपर। क्योंकि मैंने ये तजर्बा करके देखा अपनी साइट के ऊपर, मैंने पूरा का पूरा भी एआई कंटेंट लिख के देखा, फिर मैंने उसमें से मिक्सचर बना के देखा, तो मैंने उनके रिजल्ट सब ऑब्जर्व किए तो पता चला कि मिक्सचर वाले पे हिट कम पड़ी है और जो फुल था एआई पे लिखा हुआ उस पर एकदम से ट्रैफिक है और एकदम से वो गायब हो गई, वो बिल्कुल गायब हो गई, गूगल ने उसको फारिग कर दिया। और फिर मैंने खुद से लिखा और फिर मैंने एक नए तरीके से जब उसको लिखा जो कि मैं सिखाऊंगा भी सही ट्रेनिंग में, तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहा और उसको गूगल भी नहीं पकड़ सकता। वो इतना रिफाइन कॉन्टेंट होता है ना कि आपको उस पर डाटा सर्च करने की ज्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के बगैर, ह्यूमन ब्रेन तो जरूरी है ना। तो ये जो राइटिंग टूल्स है ना बेसिकली वो राइटर नहीं है, वो राइटिंग असिस्टेंट है, वो आपको असिस्ट करते हैं राइटिंग में, वो एग्जैक्टली राइटर नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करें। सर ताला जो सीईओ है इंस्टीट्यूट के वो आपसे मुखातिब होंगे, अगर कोई सवाल है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो चैट बॉक्स में क्लियर का मैसेज आए। जी स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें चैट बॉक्स। चलो जी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। नहीं जी मैट्रिक पास बंदा नहीं कर सकता, अगर ओ लेवल्स किया हुआ तो वो डेफिनेटली कर सकता है, ए लेवल्स वाला भी कर सकता है, मैट्रिक पास के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी मुझे इजाजत है, बाकी सर आपको फर्दर गाइड कर देंगे। ठीक अस्सलाम वालेकुम, तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम कहते हैं, राना तला इज हियर सीईओ ई स्किल ट्रेनिंग हब। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ और सर ने बड़ी अच्छी आपको डिटेल्स वगैरह इस कोर्स की शेयर कर दी। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, फिजिकल भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऐसा है कि अभी एक क्वेश्चन भी है मैट्रिक क्लियर वाले का, सर ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि मैट्रिक वाला जैसा कि हमारे मैट्रिक किए होते बच्चे हैं ना, मैट्रिक या मास्टर किए हुए भी नहीं चलते, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैट्रिक तो की होगी लेकिन कुछ अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं या इंग्लिश इतनी होती है कि सर स्टार्टअप में बता चुके हैं कि वो बेसिक इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और टाइप भी कर लेंगे और बाकी हेल्प सर करेंगे तो वो कंटिन्यू कर सकेंगे। बिल्कुल जीरो डल, चाहे उसने मैट्रिक किया हो चाहे एमए किया हो वो नहीं चलेगा, चाहे मास्टर्स किया हो बिल्कुल डल बंदा जिसको पढ़ना तक ना आता हो लिखना ना आता हो वो नहीं चलेगा। अच्छा अब ये कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों को और हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स को इसकी 2 दिन की आज की और कल जो क्लास होने जा रही है इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। और सेकंडली जो कंटिन्यूसली इसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो मैं नंबर्स भी शेयर कर देता हूँ। एक नंबर तो हमारे ऑफिस का आपके पास था, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझसे रब्ता कर लेंगे। और सर मैसेज नहीं सेंड हो रहा, एंड हो गया। अच्छा वो ठीक है। अच्छा
तो वो लोग मुझसे रब्ता भी कर लेंगे पर्सनली, और सेकंड ये होगा कि फीस के हवाले से भी जो डिस्कशन करनी है किसी ने वो मुझसे कर लेंगे। इस कोर्स के कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ऑनलाइन फीस क्यों बढ़ा दी है, देखिए ऑनलाइन की फीस बढ़ाई नहीं कम की गई है, एक्चुअल जो उसकी वर्थ बनती है वो 10,000 मिनिमम बनती है ऑनलाइन इस कोर्स की, क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है। इसके अंदर हमने आउटलाइन में काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जिसको हमने इंक्लूड किया है, 10,000 ऑनलाइन की बनती है, तो इसकी हमने 50% ऑफ करके 5,000 फीस की है। इस हवाले से कोई डिस्कशन हो तो मुझसे पर्सनली आप करेंगे। और सेकंड ये है कि फिजिकल कोर्स की फीस वैसे 25,000 है, आफ्टर डिस्काउंट हमने 15,000 रखी है। अगर किसी ने इस हवाले से भी कोई डिस्कशन करनी है मुझसे कर ले, ये लिंक आपको कल भी मिल जाएगा, कल भी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और नीचे मैसेज आया क्या कोई इंग्लिश कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जितनी इंग्लिश आप इंप्रूव करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कल आप सब स्टूडेंट जो फिजिकल हैं और ऑनलाइन हैं अपना नोट पैड लेकर आएंगे, हाईलाइट और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो लाजमी लिखेंगे, लिखने से आपका ही फायदा है, अगर आप लिखेंगे तो इससे आपका फायदा है, नहीं लिखेंगे तो आपका लॉस है। तो इंशाल्लाह इसको इस कदर अच्छे और आसान अंदाज में लेकर चला जाएगा कि आप यहाँ से बड़े शॉर्ट टाइम में अपनी इनकम जनरेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना क्लास एंड करने जा रही है। सर कल का टाइम 11:30 इनका दे दी, कल भी 11:30 इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी। थैंक यू।